स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार बढ़िया एक्शन में है, पर सुबह से जो हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर रहे थे उसको क्रॉस करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो 36,500 के इर्द गिर्द ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। अटेम्प्ट जरूर कर रहा था बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर जाने का, एक छोटा सा ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा था, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस 36,500 के करीब ही आपको बैंक निफ्टी दिखेगा और 17,150-17,100 की रेंज में आपको निफ्टी पूरे दिन कारोबार करते हुए दिखाए। अभी भी वहीं पर है, थोड़ा डिप आया था थोड़ी देर पहले, वहां से वापस खरीदारी आ गई, पर इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो 17,200 के पार नहीं जा पा रहा है निफ्टी और 36,600 के पार नाकाम रहा है अभी तक तो बैंक निफ्टी। देखते हैं आखिरी डेढ़ घंटे में अगर एक्शन बनता है जो इस लेवल के पार बाजार को ले जा सके। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, काफी सारी जगह पर आपको रखनी है नजर। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय की बड़ी बातें कौन सी हैं। तेजी का बाजार है, कल के बाद आज अच्छा रिबाउंड है, 1% ऊपर निफ्टी आपको दिखेगा 17,150 के करीब। बैंक्स में बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है, प्राइवेट बैंक्स लीड कर रहे हैं बट लगभग सभी बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर में अच्छा एक्शन है। 36,500 के पास बैंक निफ्टी। बैंक्स फाइनेंशियल्स के अलावा ऑटो, रियल्टी, FMCG यहां पर आपको अच्छी खरीदारी दिख रही है। स्पेशली ऑटोज लगातार लीडरशिप दिखा रहे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, आज तो एक बड़ा ब्रेकआउट कई सारे ऑटो काउंटर्स में आया है। साथ ही ब्रॉडर मार्केट पर भी रखिए नजर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अच्छी खरीदारी आ रही है, यहां पर भी इंडेक्स 1-1.5% की तेजी दिखा रहे हैं। और इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं ग्लोबल बाजार थोड़े सुस्त हैं, डाउ फ्यूचर्स करीब 150 अंक नीचे हैं कल के रिबाउंड के बाद। यूरोप में आपको ठीक ठाक कारोबार दिख रहा है, 0.5-1% की मजबूती। तो आइए देखते हैं अब की चाल कैसी रहेगी बाजार की। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा निचले स्तरों से वापस रिकवर हुए हैं, काफी वॉलेटाइल आपको डाउ फ्यूचर्स इस समय दिख रहे हैं। दो दिग्गज नतीजे भी आने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट के आज शाम अमेरिका में, तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। पर हमारे बाजारों में भी कुछ नतीजे आ गए हैं, कुछ नतीजे आना बाकी है, इनके बारे में जानते हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कौन से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और इंपॉर्टेंट अर्निंग्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। कुशल वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स में नंबर्स पर ही बड़ा फोकस रहेगा आज के दिन में। आप देखिए निफ्टी से बजाज फाइनेंस और साथ ही HDFC लाइफ, ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। FNO स्पेस से अतुल लिमिटेड, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यूनाइटेड ब्रेवरीज और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स के साथ साथ आपको बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होगी, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह का निर्णय निकल कर आता है। कल के लिए निफ्टी से बजाज ऑटो और हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स आएंगे और मार्केट आज में बजाज ऑटो की एक्सपेक्टेशन से HUL पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है। FNO स्पेस से HDFC AMC IEX परसिस्टेंट सिस्टम, सिंजीन इंटरनेशनल, ट्रेंट और इंडियन होटल्स पर भी आपको नजर रखनी है। साथ ही LIC के IPO को लेकर कल 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। PM मोदी कल समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आएंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और उसके बाद एक डिटेल्ड COVID-19 SOPs भी आज जारी होती हुई नजर आ सकती हैं। इनफैक्ट रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का IPO भी कल खुलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर 1600 करोड़ रुपए का लगभग ये IPO है। प्राइस बैंड 516 से 542 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। FDC का बाईबैक कल बंद होता हुआ नजर आएगा, बाईबैक का साइज कुल मिलाकर 138 करोड़ रुपए का था। ABB इंडिया पर भी नजर रखिएगा, फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने ऐलान किया था उसकी एक्स डेट जो है वो कल के सत्र में ही है। 28 तारीख गुरुवार निफ्टी से एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और SBI लाइफ अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही FNO स्पेस से अंबुजा सीमेंट्स, बायोकॉन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, लॉरस लैब्स, एम्फेसिस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और वेदांता, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट बायबैक को लेकर भी इंडिया मार्ट, इंटरमेश विचार करती हुई दिखेगी 28 तारीख को। वरुण बेवरेजेस कैश सेगमेंट से ये अपने नंबर्स तो डिक्लेयर करेंगे ही, साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक 28 तारीख को होगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक भी करता हुआ दिखेगा। काफी सारे स्टॉक्स हैं, एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे और जापान का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो भी 28 तारीख को ही जारी होगा। तो इंपॉर्टेंट डेटा सेट आने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे बाजारों पर भी पूरा अर्निंग्स का फोकस है। आइए कुछ नतीजे और कुछ खबरें वरुण लेकर तैयार हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो नतीजे तो अभी तक कोई बड़े आए नहीं हैं, जो खबरें आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीमियर एक्सप्लोजिव, इस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 58 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा कोल इंडिया, एक खबर आई है कि खाली पड़ी जो ज़मीनें हैं, खासकर जो कोयल की PSU कंपनियों की ज़मीनें हैं, उनको लीज पर देने के लिए गाइडलाइंस जो है वो कहीं ना कहीं जारी की गई है। तो इसका इम्पैक्ट जो खासकर कोल इंडिया पे आपको देखने मिलेगा। टाटा पावर, मुंबई से सटे कुछ इलाके हैं जहाँ पे पावर कट की समस्या आई है और टाटा पावर के तरफ से स्टेटमेंट आया है कि कलवा में जो ग्रिड है वो फेल हो चुका है 400 KV का, उसके चलते ये समस्या जो है वो निकल के आई है। इंडसइंड बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ इन्होंने करार किया है, ग्राहकों को डिपॉजिट पे ऑफर देने के लिए करार किया गया है।
जिंदल स्टेनलेस हिसार जेएसएल और जेएसएल हिसार के बीच में जो मर्जर है उसको शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है। एबीजी शिपयार्ड कंपनी के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी हुई है, ये खबर निकल के आई है। एलएनटी आईआईटी मुंबई के साथ इन्होंने करार किया है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए करार जो है इन्होंने कर लिया है। स्पाइसजेट 8 नए उड़ानें जो है ये कंपनी यू नो ऐड करने वाली है, जो उड़ान स्कीम है उसके तहत ये जो 8 नई उड़ानें हैं उसको ये फिर से चलाने वाली हैं। कैम्प्स जीरोसा के साथ इन्होंने करार किया है, रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट के लिए करार किया गया है। ब्लॉक डील किर्लोस्कर ऑयल में 10 लाख शेयर्स की और एंड्योरेंस टेक में करीब करीब 23 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए, यानी कि 1.65 इक्विटी जो है परसेंट इक्विटी जो है उसके बड़े सौदे होते हुए नजर आए। ओके, तो ढेर सारी खबरें आई हैं आज, रिजल्ट्स कम आए, रिजल्ट्स नहीं आए अभी तक, लेकिन एक कंपनी क्या बायबैक करने जा रही, बोनस देने जा रही, कौन सी हमें पूछ रहे आपको खुद को पता होना चाहिए। वरुण बेवरेज, हाँ वो तो सुबह थे अनिल जी, इसके लिए मैंने सोचा कि अब कौन सी आ गई। मतलब अब आपकी कंपनी का आपके नाम की कंपनी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेस्ट पिक भी था सर आज स्टेटस जारी में, एक डिस्क्लेमर दिया कि नहीं दिया क्या? नहीं, मेरा नाम भी वरुण है, वो लोग समझ गए। ओके, कब? 28 तारीख को बोर्ड मीटिंग। हाँ, ओके। और इस बीच अतुल लिमिटेड ने 25 रुपए के डिविडेंड का, आज तो रिजल्ट भी आने ना, हाँ रिजल्ट आ गया, 177 करोड़ से घटकर मुनाफा 137 करोड़, अच्छा कम रह गया मुनाफा। ओहो, ओके, तभी स्टॉक नीचे भी है, 1.5% नीचे। आय भी देख लेते हैं एक बार, 1116 करोड़ से बढ़कर आय 1370 करोड़, ऊपर सब ठीक है, नीचे मत पूछो, ये हालत है। तो टॉप लाइन सेल्स रेवेन्यू यहाँ सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते मुनाफे तक पहुँचते वहाँ मामला थोड़ा ढीला हो जाता है, कामकाजी मुनाफा मार्जिन्स और मुनाफे तक पहुँचते पहुँचते सिचुएशन थोड़ी सी मामला बिगड़ती दिखती है हर कंपनियों की तरह। यहाँ भी सेल्स अच्छी, मुनाफा कमजोर, 177 करोड़ से घटकर 137 करोड़। अतुल लिमिटेड, ये भाई अतुल लिमिटेड जिसके बारे में सुबह जब दीप ने सवाल पूछा था तो सिमी जी अतुल ऑटो के बारे में बताना चाहती थी, ये वही वाला अतुल लिमिटेड है जिसके नतीजे आ चुके हैं, वायदा कारोबार का प्लेयर भी ये बन चुका है। तो ये है रिजल्ट आपके सामने अतुल लिमिटेड। एक्सपेंसेस का उछाल है सर, वही कहानी हर जगह, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, पावर, फ्यूल, वाटर, सब बढ़कर आए, सब बढ़ के आए, अच्छा खासा बढ़कर आए। जिनके पास रॉ मटेरियल है उनके रिसर्च अच्छा आ रहा है, जीएमडीसी को देख लीजिए, उनके अच्छा रहे, जिनके पास जा रहा है रॉ मटेरियल गए, बस तो वही है। तो यही कहानी है सबकी। अच्छा, इसी कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, विश्वेश जी, नितिन जी और सेठी साहब भी जुड़ने की तैयारी में। दमदार पैनल बिगुल, पहला क्लोजिंग शो का हिमांशु गुप्ता जी के लिए, हिटमैन हिमांशु, हिटमैन। शुरुआत तो ठीक, ये वाले तो हिटमैन चल रहे हैं हमारे, रोहित गुप्ता ने, रोहित शर्मा शुरुआत, सॉरी हिमांशु शर्मा नहीं है और वो रोहित गुप्ता नहीं है। तो हिमांशु गुप्ता जी की तरह रोहित शर्मा ने शुरुआत तो अच्छी की थी, देखिए अब क्या होता है। आइए बिगुल, बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। सर खरीदना है टाइटन, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि टाइटन में एक डिसेंट साइडवेज कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ नजर आया है, और इनफैक्ट कल के सेशन का जो गैप डाउन था वो भी स्टॉक ने अभी कंप्लीट किया है। जो चार्ट फॉर्मेशन है अनिल जी, यहाँ पर एक पिछले 4-5 दिनों का अगर प्राइस फॉर्मेशन देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने की तैयारी करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से टाइटन में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। 2560 रुपए के टारगेट्स के लिए टाइटन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, 2502 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह है आपके लिए टाइटन, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, एक्शन में ये काउंटर बनते हुए दिख रहा है। अनिल जी, बाजार पर भी आपकी एक राय लेनी थी सर, एक सुबह की जो लेवल्स की रीडिंग थी वो तो परफेक्ट रही सर, जो आपने कंजेशन जोन की बात करी थी, देखिए 17180 का निफ्टी का हाई, 17200 के पार नहीं गया, 17100 के नीचे भी नहीं गया, तो उसी रेंज में अटका हुआ है, और बैंक निफ्टी भी 36500-35550 पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, एक 36600 का अटेम्प्ट किया था पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो बिल्कुल रेंज में ये बाजार 36500 को वापस उसी लेवल पर बार बार बैंक निफ्टी आ रहा है, ये रेंज में अटका रहेगा या एक अटेम्प्ट कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने की, क्योंकि एक्शन तो अच्छा ही दिखता है, ऊपर के नीचे थोड़ा ऊपर निकले सर तब मजा आएगा, बट डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट नहीं है आज, वैसे 125 नीचे एक है। वही समस्या है, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी ठीक है, अगर डाउ फ्यूचर 125 पॉइंट नीचे ये फ्लैट भी हो जाए ना तो जोर से ऊपर भागेगा। अभी एक्चुअली मतलब देखो दो चीज होती है, एक तो क्या होता है कि गाड़ी को चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, ठीक है, और एक चलती हुई गाड़ी को हल्का सा पुश और कर दो, ये चलती हुई गाड़ी है, हाँ। थोड़ा पुश चाहिए, थोड़ा पुश चाहिए, स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं डाउ फ्यूचर्स है, ऐसा नहीं कि रुकी हुई गाड़ी जिसको धक्का लगाना है, तो ऑलरेडी मोमेंटम है,
इस मोमेंटम का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है दीप, दिन के दौरान जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक चार्ट लाइए जरा दिन वाला। हाँ, ये जैसे निफ्टी का ऐसे एक बैंक निफ्टी का भी ले आइए। दिन के दौरान एक डिप आया और वो डिप एग्जैक्टली उस परफेक्ट लेवल पर आया जहां सुबह 9:08 पर हम बात कर रहे थे 17,075, 17,100, ये रेंज परफेक्ट है, यहाँ आएगा तो खरीदना चाहिए। करेक्ट, हमारी बात हुई थी 17,075, एग्जैक्ट 17,064 का लो बनाया है, राइट, तो उस परफेक्ट रेंज से घुमा है। बैंक निफ्टी के लिए हम बात कर रहे थे 36,300, 36,500 हर 50 पॉइंट पे वो है। आप देखिए आज का लो 36,300 गए, 36,297, तो वो परफेक्ट रेंज से घुमा है। तो बिल्कुल सपोर्ट, पहले सपोर्ट लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लिया और वापस ऊपर भी उसी तरह से आए, ऐसा नहीं कि ऊपर आने में भी कोई वक्त लगाया, देखो वापस बढ़ने में भी अच्छे से बढ़े। 17,150, 17,225 आज के लिए कंजेशन जोन फाइनल टारगेट है, वहां पर जाकर रुक भी रहे हैं। और बैंक निफ्टी तो हम बात कर रहे थे कि 34,600 की रेंज में टाइम पास करेगा, वापस उस रेंज में आके टाइम पास करा। सो ओवरऑल मार्केट एकदम परफेक्ट है। अब ग्लोबल सपोर्ट मिल गया हमें आखिरी 1-1.5 घंटे में, तो हम यहां से भाग जाएंगे। नहीं मिला 100-125 पॉइंट डाउ फीचर्स नीचे रहते हैं, तो जहां हैं वहीं रहेंगे, और अगर बढ़ गया तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं। सो पूरी तरह से अभी ग्लोबल ट्रिगर चाहिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। लोकल ट्रिगर के बेसिस पे हम ठीक है, हमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज तो आप सोचिए ना, अगर 125 पॉइंट डाउ फीचर नीचे तो हमारे निशान में रहें क्यों इतना। करेक्ट, सो उस लिहाज से ठीक है। मुझे लगता है थोड़ी अगर रिकवरी अगर आ जाती है ग्लोबल मार्केट्स में, तो आप 17,200 की तरफ निफ्टी को जाते हुए देखेंगे और 36,600 के पार बैंक निफ्टी को निकलते हुए देखेंगे। लेकिन आज की रेंज देख लीजिए, ऊपर का हाई भी 36,600 वहीं पर अटका हुआ, और वो अगर 36,300 तोड़ के एक बार 36,350 तोड़ के नीचे गए तो कुछ सेकंड्स के लिए था वो एकदम, मतलब वैसा नहीं कि मतलब जाके रुका हो। लेट्स सी, जय हमारे साथ एक बार, सॉरी विश्वेश हमारे साथ हैं, विश्वेश जी से एक बार जरा बैंक निफ्टी पर राय ली जाए। विश्वेश जी, बैंक निफ्टी के डेटा देखिए। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से हम नीचे आए हैं 39,000 to 35,000, और अभी जिस हिसाब से डेटा बिल्टअप हुआ है 36,500 के कॉलर पुट में, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी बहुत बड़ी रेंज के अंदर रहेगा मार्केट, और मोर और लेस यहीं पे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से डायरेक्शनल स्टैंड मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं अभी डेटा देख रहा हूँ, तो मुझे डेटा देख के भी यही समझ में आ रहा है अनिल जी कि बैंक निफ्टी का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 36,500 के कॉल पुट में है। तो व्हाट इट इंडिकेटिंग इसके मार्केट शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव ना दे। एट द सेम टाइम अनिल जी, जो ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी है वो भी है। अगर आप आज के डेटा देखें, 36,500 के कॉल में अनिल जी 39 लाख शेयर है और पुट में 23 लाख शेयर है, और ओवरऑल अगर आज के इंट्राडे डेटा देखें तो 36,500 के कॉल पुट में एग्जैक्ट आइडेंटिकल ओआई एड हुआ है, विच इज 16,50,000 रफली। तो जब सेम स्ट्राइक पे अनिल जी आइडेंटिकल डेटा एड होता है तो मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा मूव आता है। मुझे लगता है मार्केट रेंज रहेगा 36,800 ऑन द अपसाइड और 36,000 ऑन द लोअर साइड। एनजी आपके लिए निफ्टी बैंक पर इस समय राय, रेंज से बाहर बस उसी का इंतजार है, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा बाजार का सपोर्ट मिल जाए, तो एक्शन आपको वैसा बनते हुए दिखेगा। आइए, राकेश जी, कुणाल जी भी हमारे साथ हैं तैयार, और वो दे रहे हैं एक स्पेशल पिक। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। और दीपांशु, हमारा जो स्पेशल पिक वाला स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट, और इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि अदानी पोर्ट ने जून 2021 के हाइस को क्रैक करा है। जून में अदानी ग्रुप के लिए एक नेगेटिव न्यूज आई थी और अदानी पोर्ट गिरा था, तो अदानी पोर्ट उन हाइस के ऊपर निकला है। अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में जाने की तैयारी है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अद्भुत चार्ट है दीपांशु, जिस तरह का ब्रेकआउट आता हुआ अडानी पोर्ट्स में नजर आ रहा है। पहले भी नीचे के स्तरों पर भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक बड़ी तेजी इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट दोनों के चार्ट बहुत मजबूत है। अडानी पोर्ट पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखें 890 के आसपास, 889 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की हमारी राय है। पहला टारगेट होगा 930 रुपए का, 930 इवेंचुअल टारगेट 960, 960 रुपए तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। अग्रेसिव टारगेट्स हैं ऊपर की ओर, 960 रुपए के पहले लक्ष्य के लिए बाय करें अडानी पोर्ट्स।
ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स, जहां पर आप रख सकते हैं नजर। बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है, आज अच्छा दिन बनते हुए दिख रहा है अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए। चलिए अदानी पोर्ट्स पर रखिए नजर, अच्छा ब्रेकआउट इस पर आते हुए दिख रहा है। एक दो और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है, DLF इसका चार्ट पुल अप करिए, अच्छा मूव इस पर अभी अभी आया है, एक फ्रेश स्पाइक दिख रहा है, सुबह से थोड़ा एक्टिव था, अब थोड़ी और अच्छी खरीदारी DLF के काउंटर में आती हुई दिख रही है। सुमित जी गुड आफ्टरनून, जरा DLF का चार्ट देखें सर। गुड आफ्टरनून दिपांशु, DLF के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक जैसे ही ऊपर के अंदर 375 का लेवल तोड़ेगा तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाएगा और फिर 385 से लेके 390 रुपए तक के लेवल आने वाले दो चार दिनों के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में यहां से ऊपर में DLF में देखने को मिलना चाहिए। बढ़िया मूव DLF में आपको आते हुए दिख सकता है, इस पर रखनी है नजर। इंडसइंड बैंक अच्छी खरीदारी इस पर भी आती हुई दिख रही है। नितिन जी गुड आफ्टरनून सर, बैंक्स में थोड़ा एक्शन है, इंडसइंड बैंक में क्या करना है? सर रोल ओवर्स हो रहे हैं बट जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनमें ज्यादा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। इंडसइंड बैंक भी आप देखेंगे तो स्लाइटली इसमें एक रेसिस्टेंस आ रहा है 990 के आसपास, तो इस एक्सपायरी में जैसे रोल ओवर्स हो रहे हैं तो इसकी एक रेंज बन रही है 970 से 990 की रेंज में, कॉल राइटिंग्स भी काफी है ऊपर के लेवल पे, तो साइडवेज होना चाहिए। बट ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है या इंडेक्स है उसमें आज का डेटा पॉजिटिव बन रहा है और हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस हमें मिल सकता है यहाँ से, और नेक्स्ट दो दिनों में मोस्ट लाइकली 17200 से ऊपर 17300 की तरफ हम जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की ट्रिगर हमें चाहिए कि अगर किसी भी हालत में ये 36600 के ऊपर आज क्लोजिंग मिल जाए, अभी 36500 के आसपास है, अगर 36600 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी से ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि कल के डेट में बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी और आज भी बैंक निफ्टी साइडवेज अभी मोमेंटम नहीं आया है, बट लास्ट के अगर एक घंटे में बैंक निफ्टी 36600 के ऊपर निकलता है फ्यूचर्स तो उस समय हमें बाय करना चाहिए और उस केस में 37000 प्लस के टारगेट बन सकते हैं। ओवरऑल आज का जो डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पॉजिटिव डेटा बन रहा है, बाजार का डेटा तो पॉजिटिव बन रहा है और नितिन जी अपनी स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बट इस समय अच्छा एक्शन है और जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, नितिन जी भी कह रहे हैं 36600 ये लेवल अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो फिर बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो चलिए इंतजार है बैंक निफ्टी के में और एक अच्छी मूव आने का। पर बैंक ऑफ बड़ौदा आज सुबह पिक ऑफ द डे कुणाल जी की तरफ से 115-117 के टारगेट्स आए थे। कुणाल जी बढ़िया एक्शन रहा है, आपका पहला टारगेट तो इस पे हिट हो गया, इनफैक्ट डेज हाई पर है इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा, टारगेट पहला हिट, अब क्या करना है ये बताइए। दीपांशु बहुत जबरदस्त एक अप मूव आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है अभी और चलेगा, 118-119 पर अगला रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आता है और डेली चार्ट पर 121 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो जगह हेडरूम काफी है। मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम बैंक स्टॉक्स में चल रहा है जरूर आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो जिन्होंने भी खरीदा हुआ है होल्ड करें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, सुबह का पिक ऑफ द डे टारगेट हिट बैंक ऑफ बड़ौदा। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जिस पर मूव आ रही है विश्वेश जी, HDFC AMC आजकल ज्यादा चर्चा में रहता नहीं है बट अच्छा मूव आज इस पर आते हुए दिखा है, अभी अभी 3.5% ऊपर HDFC AMC, इस चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु देखिए इसका जो एक लेवल है 2000, ये लेवल बहुत बार टेस्ट हुआ है, लास्ट मार्च 2020 में आया था और उसके बाद कंसेक्यूटिवली लास्ट 3 मंथ का अगर आप लो देखते हो तो यू नो मंथ ऑफ फेब का जो लो था वो 2010 था, मंथ ऑफ मार्च का जो लो था वो 1987 था और आज ये मंथ का मतलब अप्रैल का भी जो है वो 1985 है, तो मोर और लेस 1980 इज अ पिवोटल लेवल। अब अगर ये लेवल होल्ड होता है तो इसके बाद में ये वापस 2 या 3 इंस्टेंस में ऐसा है कि 2400 तक जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1980 का है, उसके सामने अगर टारगेट आप देखो लास्ट 2-3 ओकेजन के तो हर बार एटलीस्ट 2400 तक जाता है, तो मेरे हिसाब से इट्स लाइक कैचिंग अ फॉलिंग लाइफ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो मुझे लगता है वो कर सकते हैं, तो 1980 के स्टॉप लॉस से इफ समबडी वांट्स टू टेक एन अग्रेसिव बेट तो मुझे लगता है यहां कर सकते हैं, मुझे लगता है 2200 से 2400 के लेवल आने वाले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो नजर रखिए HDFC AMC ज्यादातर चर्चा में नहीं आता है बट आज एक बड़ी मूव दिखा रहा है और ये काउंटर भी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे कुछ और काउंटर्स भी हैं, NBFCs पर रखिए नजर, फाइनेंशियल स्टॉक्स पर रखिए नजर, वहां पर मोमेंटम बना हुआ है। आइए एक और बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु बिल्कुल बैंक्स फाइनेंशियल्स NBFCs में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, जिसको मैंने लास्ट वीक में भी कवर किया था,
दीपांशु देखिए, ये स्टॉक में कुछ जरूर कुछ ना कुछ एक अच्छी कुछ पॉजिटिव न्यूज है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मूव आती है, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, वापस से स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आता है। आज के सेशन में भी दीपांशु एग्जैक्टली यहाँ पर यही देखने को मिला है, लोअर लेवल्स पर एक एक्युमुलेशन देखने को मिली और पिछले कुछ मिनटों में बहुत ही जबरदस्त खरीदारी यहाँ पर आते हुए नजर आई है। तो मुझे लगता है एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स को यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, 95 रुपए का टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है, 89 के स्टॉप लॉस के साथ एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। तो ये है आपके लिए एलएनटी फाइनेंस, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। अच्छा वाला ब्रेकआउट इस पर भी आ रहा है इस समय। एक और ट्रेडर फेवरेट स्टॉक जहां पर मूव आ रही है, चंबल फर्टिलाइजर, हमारे भी रेडार पर रहता है और इस समय ये भी अच्छा एक्शन आपको दिखा रहा है, तो इस पर भी रखिए नजर, एक बढ़िया मूव यहाँ पर आ रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, 5.5% ऊपर इंडिया बुल्स हाउसिंग इस समय बना हुआ है, बड़ा ये जबरदस्त हाई बीटा जब आता है तब ये मोमेंटम में आते ही बिल्कुल। और आज तो वैसे ही स्टॉक जो ज्यादा पीटे हुए वहीं पर एक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। सर यहाँ पे 17,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 135 की है और इसका स्टॉप लॉस 100 रुपए का होगा और टारगेट 175 के होंगे। डेटा आज पॉजिटिव बना हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि 17,100 की जो स्ट्राइक है वहाँ पे पुट राइटिंग काफी ज्यादा है और टोटल आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट का 60-70% ओआई एडिशन आज ही है, यानी कि नए पुट राइटिंग काफी हो रही है 17,100 की पुट्स पे, इसलिए हम बेट कर रहे हैं 17,100 की कॉल ऑप्शन पे। और सुबह से ही डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, लग रहा है बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलेगा, इसलिए हम कॉल ऑप्शन 17,100 की 135 पे लेंगे, 100 का स्टॉप लॉस, 175 के टारगेट। तो आपको चाहिए सपोर्ट बैंक निफ्टी का नितिन जी, बोलो आपको निफ्टी के लिए जरूरत बिल्कुल बताओ। जी बैंक, हाँ बैंक निफ्टी का बिल्कुल सपोर्ट चाहिए और बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से 36,600 ब्रेक हो जाए तो फिर एक अच्छी बाउंस और रैली मिल सकती है। ओके, तो 36,600 पार स्पॉट लेवल पे चाहिए, फ्यूचर सब पूछ लेने में ठीक रहता है, फ्यूचर फ्यूचर 36,600 फ्यूचर। ऐसा मत समझ जाए कि वो चाय की तरह की, जैसे किसी को चाय पे बुलाए तो फिर पूछे चाय कौन सी चाहिए, मसाले वाली बिना मसाले वाली, दूध वाली बिना दूध वाली, ठीक है चक्कर लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो एक चम्मच लेंगे दो चम्मच, इतने सवाल पूछेगा आदमी पूछेगा जाने दो चाय मत पिलाओ। तो हमारा वैसा नहीं है, हम पूछे तो इसलिए पूछ रहे आपको एग्जैक्टली वही सर्व करें बैंक निफ्टी पे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक तैयार हो रहा है मजबूती के लिए, एक्सिस बैंक मजबूत हो ही चुका है, एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है ये, बाकी छोटे मोटे बंधन आरबीएल भी अपने अपने हिसाब से आपको योगदान करें, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट गिवन आ जाएगा, आ जाएगा, उम्मीद करते हैं 37,600 पार हो जाए और उसके बाद तेजी बनती हुई दिखे। तो ये है नितिन जी की तरफ से 17,100 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय, 100 रुपए का स्टॉप लॉस और 175 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी की जाए, 135 पे आपको लेना है। आइए जब लेने की बात हुई तो क्या बात है, कुछ खरीदा जाए तो ऐसा खरीदा जाए कि दुनिया देखे है ना, सच में ऐसे छोटी मोटी चीज, छोटी मोटी क्या, हमारे कॉल पुट तो चलते रहते हैं, लेकिन जो खरीदा है एलन मस्क साहब ने वो पूरा का पूरा ट्विटर आपकी हमारी सबकी बोलती खरीद ली है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो आइए ट्विटर पर क्या बड़ी डील हुई है इसकी सारी डिटेल्स और अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, एलन मस्क साहब ने खरीद लिया ट्विटर? खरीद लिया सर, 3.36 लाख करोड़, हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इनकी नेटवर्थ का सिर्फ 16% है। लाख हटा दो, इतना करोड़ ही चलेगा, 3.36 करोड़ नहीं लो, इतना ही काफी, 3.36 लाख करोड़, माय गॉड, ये रुपए के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, $44 बिलियन जो है इनकी नेटवर्क फिलहाल चल रही है, $268 बिलियन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, $268 बिलियन और इन्होंने खरीदा है 44 में, तो मतलब अपना पोर्टफोलियो का लगभग लगभग कितना परसेंट खरीद लिया, 15% के आसपास, 15-16% 15-16% एक कंपनी में डाला, एक कंपनी अपनी वेल्थ का बड़ा एक्सपोजर है सर, पूरी तरीके से खुद का पैसा नहीं डाल रहे, फंडिंग भी इनको मिल गई है। और सर देखिए अधिग्रहण काफी बड़ा है, लगातार यहाँ पर देखिए बात कर रहे थे फ्री स्पीच की और आखिरकार जो इन्होंने खरीद ही लिया है, इसको माना जा रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है टेक अधिग्रहण है। अब ट्विटर को अगर आप देखें तो करीब वर्ल्ड वाइड 21 करोड़ के यूजर्स हैं इनके पास, और साथ में अगर आप देखें तो पिछले 3 से 4 साल का ट्रेंड भी सबसे बड़ा बता रहे हो, इससे पहले इससे बड़े दो और भी हो और चुके? दो भी हो चुके हैं सर, हाँ दो बड़े हुए, इसको तीसरा बताया जा रहा है, कौन सा दो, कौन सा और भी दो बड़े सर बताऊंगा, याहू का हुआ होगा शायद, नहीं
याहू का इतना बड़ा नहीं था, नहीं जब नहीं, बट डिज्नी और उसका डिज्नी और फॉक्स का हुआ था आई थिंक, वो उसको टेक में माना जाएगा, वो इसी में आया, तो तीसरा सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा 44 बिलियन जी। और सर टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है क्योंकि आप देखिए मैं इनके फाइनेंशियल्स भी देख रहा था, तो आई में तो सब टेक कंपनीज की बढ़ती देखती है, लेकिन 2021 में काफी सालों के बाद जो है ट्विटर मुनाफे में आया था, तो यहाँ पर 2018-19-20 में देखें तो नुकसान ही था, $32 करोड़ का 2021 में जो है वो दर्ज किया। लेकिन सबको इंटरेस्ट इस बात से है कि अब ट्विटर को जो है इलोन मस्क ने खरीद लिया है तो क्या बदलाव हो सकते हैं, और ये अपने बदलावों को लेकर काफी वोकल थे। वो 2 हफ्ते से देखें तो लगातार ट्विटर पे पोल करके यूजर से पूछ भी रहे थे कि आप कैसे कैसे फीचर चाहते हैं। सबसे पहला ट्वीट इनका ये था कि आपको क्या एक एडिट बटन चाहिए, जो कि बहुत सारे यूजर्स की मांग रहती है लगातार, क्योंकि ट्विटर में कभी भी एडिट बटन का फीचर नहीं था, एक बार आपने ट्वीट कर दिया तो कर दिया, लेकिन क्योंकि ज्यादातर यूजर्स ने जो है वो ऑप्शन चुना कि वो एडिट बटन चाहते हैं, तो माना जा रहा है कि यहाँ पर एडिट बटन आएगा। इसके अलावा देखिए प्राइमरी मकसद ये बता रहे कि फ्री स्पीच की वकालत बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो जो व्यक्तिगत प्रतिबंध लोगों पर लगाए गए थे उसको हटाया जा सकता है, और काफी सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पर बड़ी हस्ती है सर डोनाल्ड ट्रंप की, हालांकि उनकी तरफ से साफ माना हो गया कि वो ट्विटर को रिज्वाइन नहीं करेंगे, उनका तो खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो यहाँ पर नजर रहेगी। इसके अलावा भी है देखिए कुछ टेक बदलाव भी करेंगे, जैसे इस पूरे प्लेटफॉर्म को जो है ओपन सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कोडर्स हैं प्रोग्रामर्स हैं अब इनके कोड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, और एल्गोरिदम में भी अगर आप देखें तो कुछ बदलाव कर रहे हैं ताकि जो फ्री स्पीच है उसको एक बड़ा अवसर देखने को मिले। स्पैम बॉट्स हैं जो कि ट्विटर को काफी ज्यादा स्पैम कर रहे हुए हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा। लेकिन सर बड़ी डील है 3.36 लाख करोड़ की, जो स्पैम करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, मतलब स्पैम के बॉट्स बने हुए हैं सर, वो बॉट्स के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, ऑटोमेटिकली जाके कर देते हैं, अब जो इंडिविजुअल स्पैम कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे। अच्छा कुछ नहीं कर सकते, तो मतलब बड़े बदलाव होंगे ट्विटर में, एडिट बटन आएगा, जरूरत है क्या, हमें तो जरूरत नहीं एडिट बटन कभी, वो कुछ फैक्चुअल, सो बेसिकली एक ट्रायल बेसिस पे इन्होंने करा था, 20 सेकंड के अंदर आप अपनी ट्वीट बदल सकते हो, अब शायद उसे और थोड़ा परमानेंट नेचर का, ये डीआरएस जैसा है क्या, 20 सेकंड मतलब 15 सेकंड का डीआरएस से जल्दी से ले लो मतलब ट्वीट करने के बाद ऐसा लगे, बंसल दोबारा सोच लिया, ऐसा लगा लेट नाइट में कि मैंने जो ट्वीट किया उसे मैं बदलूं या एडिट करूं, ऐसी कभी फीलिंग आई बंसल जी? नहीं अनिल जी देखिए ये हमारे लिए नहीं है अनिल जी, ये उनके लिए है, जैसे किसी ने स्टॉक को रिकमेंड करा बाय करके और हो गया सेल तो वो क्या करेगा अनिल जी, एडिट करके लेवल चेंज कर देगा बाय का सेल। अच्छा। अनिल जी हमारे तो ट्वीट जनरल अलग तरीके के होते हैं, तो हम लोग उस कैटेगरी के नहीं अनिल जी, इस ये वाला लेवल अनिल जी क्रॉस हो चुका है। अच्छा। एडिट के अनिल जी बटन का मिस यूज होगा शेयर बाजार के अंदर। अच्छा ओके इंटरेस्टिंग चीज है जी। कुणाल जी, अनिल जी अनिल जी एडिट बटन केवल एडिटर्स के काम आएगा अनिल जी, काम की चीज है क्या बात है, अरे आई एम फीलिंग एम्पावर्ड, अचानक से मेरी ताकत बढ़ गई एलन मस्क की वजह से, क्या बात है। नहीं लेकिन ये उन लोगों के काम का ना, आपके काम का ज्यादा है ना हमारे काम का ज्यादा, क्योंकि हमारे तो ऐसे ट्वीट होते नहीं, ये उन लोगों के काम का है जो बड़े बड़े फिल्म स्टार शोज करने वाले लोग जो देर रात को ट्वीट करते हैं, मिडनाइट के बाद वाले ट्वीट जाते हैं, उन्हें सुबह खुद देखते हैं, अच्छा ये मैं नहीं किया था वैसा हाल है, तो उन लोगों की काम का ज्यादा है एडिट बटन, बट ठीक है, जो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया भर में वो आपको पता होना चाहिए। तो ट्विटर को लेकर बड़े डेवलपमेंट एलन मस्क साहब ने खरीद लिया है, बिल्कुल। तो चलिए ट्विटर पर बड़े डेवलपमेंट, और आज शेरी साहब आ गए, शेरी साहब तो आज मेरे ख्याल से लाइव जुड़ने वाले थे, आ गए तो जरा एक बार दर्शन कराइए शेरी साहब के, शेरी साहब के दर्शन कराइए, शेरी साहब का स्वागत है सर आपका, तैयार हैं आप? बिल्कुल अनिल जी तैयार, बिल्कुल आप तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, बिगुल शेरी साहब के लिए सदाबहार शेरी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, और आपको लग रहा होगा जल्दी क्यों, अब शेरी साहब लाइव है आगे हैं, तो शुभकाम में देरी कैसी बिगुल। हर खुशी के लिए काफी है सर, साहब बताएं सर आज की पहली पिक, दोनों स्टॉक कैश फ्यूचर्स कैसे हैं मामला आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, देखिए अनिल जी दो तो कैश मार्केट के स्टॉक है ही है कि जिसमें खरीदारी करनी है, बाकी चूंकि आज क्लोजिंग तक हूँ मार्केट की क्लोजिंग तक, तो एफएनओ के भी कुछ पिक्स रहेंगे या पिक रहेगा तो वो मैं थोड़ी बाद में दे दूंगा एफएनओ की पिक। परफेक्ट, तो पहला कैश मार्केट का स्टॉक बताएं सर आज का।
अनिल जी, जो आज का पहला कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन, जो कि अभी भी 198 के लेवल पे ट्रेड करता है, 198। ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि टर्बाइन्स बनाती है फॉर शुगर कंपनीज, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस के लिए। इनका स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री में 60% का मार्केट शेयर है। ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी है, 70 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार होता है। मतलब मान लीजिए पावर इक्विपमेंट और पावर सॉल्यूशंस के लिए कंपनी जानी जाती है, और वैसे भी पावर सेक्टर भी फोकस में है। और ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 20-21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22-23% का, एक जीरो डेट कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ती है कंपनी, 22-23 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। FISDIs भी पूरा भरोसा रखते हैं, उनकी हिस्सेदारी है अराउंड 28%, जिसमें निपॉन है, SBI, नालंदा, इन्वेस्को, और ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो कि शुगर कंपनी है, उनकी ग्रुप कंपनी है, उसके डीमर्जर से बनी हुई है, और वो भी इसमें अराउंड 21-22% स्टेक ओन करती है। तो स्टॉक अच्छा है, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, इन लेवल्स पे 198-199 इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 220 रुपए का, और छोटा 195 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने का आपको बन सकता है मौका। आइए सेठी साहब की एक और पिक लेंगे, और चूंकि सेठी साहब 3:30 बजे तक हैं, पहले आ गए, हमने पहले पिक ले ली, लेकिन अब हम कौन सी जल्दी हुई, जाने वाले तो है नहीं, रहेंगे सेठी साहब हमारे साथ, तो दूसरी पिक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक विश्वेश जी तैयार है, बिल्कुल विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी बताएं सर। देखिए एनर्जी मार्केट साइडवेज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आएगा, और पावर ग्रिड मुझे अच्छा लग रहा है मौजूदा स्तरों पे। 231-40 चल रहा है करंट मंथ फ्यूचर में, और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर 232 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है एनर्जी बहुत ब्यूटिफुली मूव आया था कुछ वीक्स पहले, और उसके बाद में लास्ट 2-3 वीक का साइडवेज मूव था, और ये साइडवेज मूव का अब अपसाइड में फॉलो थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदने की राय है, मुझे लगता है काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, 226 का, और उसके सामने टारगेट जो मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। 240 पहला टारगेट रहेगा और 245 दूसरा टारगेट रहेगा। जो सबसे अच्छी चीज होती है स्टॉक्स लाइक पावर ग्रिड में एनर्जी, वो ये होती है कि ये स्टॉक्स वेरी रेजिलिएंट होते हैं अगर कोई पुल बैक आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटिवली ज्यादा है अमिड द वॉलेटिलिटी। सो 226 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड को खरीदना है 240-235 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए पावर ग्रिड में। विश्वेश जी आप ये पावर ग्रिड टाइप के स्टॉक्स रिकमेंड करें, बोर नहीं होते आप? अनिजी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मार्केट इस तरह का है कि देखिए अभी आज 150 पॉइंट निफ्टी नीचे है। हाँ। कल अगर गैप डाउन होता है अनिजी तो थोड़ा सा किधर हो जाता है अगर आप हाई स्टॉक्स में। 150 पॉइंट किधर नीचे, कौन सा नहीं ऊपर बोल रहा हूँ। हाँ नहीं आप नीचे बोले, अरे यहाँ तो मतलब भाई साहब नहीं मैंने बोला ऊपर है। अरे नीचे बोले, रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ, एकदम झटका लगा हमारे को तो जोर से किधर वाला नीचे हुआ आपके चक्कर में। देखो हमने डाउ फीचर्स को भी रिकवर करवाया, 150-125 नीचे था 75। हाँ अब बोलो 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, अब आगे बोलो वहां से। जी देखिए अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि 150 पॉइंट ऊपर है कि नीचे है, प्रॉब्लम ये है कि जो आज हो रहा है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। अगर आप लास्ट 4-5 दिन का ट्रेंड देखो तो हम जहां हैं नेक्स्ट डे हम उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे होते हैं। तो ये रेंज है एनर्जी, मुझे लगता है 37,000, 35,000, 35,500, और निफ्टी की अगर बात करें तो 17,300, 16,900। तो मुझे लगता है जैसे ही अपर एंड ऑफ द रेंज पे जाते हैं तो वहां से हम पुल बैक करते हैं। तो इसीलिए अपर एंड ऑफ द रेंज पे अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं शायद ब्रेकआउट होगा, तो मुझे लगता है लो बीटा स्टॉक्स वुड टर्न आउट बेटर। और पावर ग्रिड एनर्जी भले लो बीटा लगे लेकिन जिस हिसाब से मूव आया है वो काफी स्टेबल मूव रहता है, तो इसलिए पावर ग्रिड को चूज किया एनर्जी। पावर ग्रिड को चूज किया इसलिए, वो तो पावर ग्रिड चूज करने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो डर खाली निफ्टी 150 का ही नीचे था। अच्छा बंसल जी कुछ कह रहे हैं आपको, जी बंसल जी बताएं। नहीं अनिल जी अब मेरे को कुछ ऐड नहीं करना, अनिल जी बहुत कुछ ऐड कर दिया है विश्वेश ने, तो अनिल जी आई एम स्पीचलेस नाउ, मैं अपने कमेंट को भी ड्रॉप कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कौन सा कमेंट, देखो अगर समझो मैंने आपको कोई मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, दीप देखो इसमें बहुत गहरे रहस्य वाली बात है और ये सबके साथ हो रहा है। अगर जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा खाली एक कुछ नहीं कोई स्माइली भेज दी, मुझे भी भेजा मतलब खाली एक क्वेश्चन मार्क लगा के भेज दिया और भेजते डिलीट फॉर एवरीवन कर देता, ठीक है
तो सबसे पहले आदमी का ध्यान क्या भेजा था, क्या भेजा था, करेक्ट, वो दिमाग में हर बार। अच्छा फिर सेकंड टाइम भेजा बंसल जी तुरंत भेजेंगे, अच्छा क्या लिखा था, अरे भाई जब डिलीट ही किया है नहीं बता रहा था तभी तो डिलीट किया, अगर बता रहा था तो डिलीट क्यों करता। तो बंसल जी जो जिज्ञासा ऐसे आपके मन में आती है जब हम आपको एक ब्लैंक मैसेज भेजते मिस कॉल टाइप वाला, वैसे हमारे मन में आ रही, आप स्पीचलेस क्यों है, कौन सा कमेंट है जो आपने रिजर्व कर दिया, वो हमें जानना है। अनिल जी देखिए आप मेरे को, आप कभी गुगली में फंसाते हैं तो अनिल जी मेरे पास और रामबाण है। अनिल जी ओवर टू कुणाल जी। कुणाल जी संकट मोचक बनो आप बंसल जी के। अनिल जी बैक टू राकेश जी, अनिल जी बैक टू राकेश जी। ओके दोनों का फुटबॉल मैच इसी तरह से ड्रॉ रहा बिना किसी गोल के, पूरे 90 मिनट तक टाइम पास करने के बाद कोई गोल नहीं हुआ, फिर से खेला जाएगा। तब तक बिगुल हमारे नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं सर। अनिल जी यहाँ पे अगले महीने की HDFC बैंक की 1370 की हम कॉल ऑप्शन लेंगे जो 43 रुपीज में मिल रही है। अभी HDFC बैंक 1370 के आसपास ही है और अगले महीने की जो मे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 1370 की कॉल ऑप्शन 43 में मिल रही है और इसको हम खरीदेंगे। इस कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस 30 रुपए का रखेंगे, यानी हम 13 रुपए का रिस्क रख रहे हैं, 550 शेयर के आसपास का लॉट है तो 13 रुपए का आपको रिस्क रखना है और टारगेट मुझे ऐसा लगता है 65 रुपए के आसपास का मिलना चाहिए। रोल ओवर्स 2-3 दिन से हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेवल पे थोड़ा लॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं, काफी ओवरसोल्ड कंडीशन में स्टॉक है तो एक बाउंस मिल सकता है और बाउंस ये 1400 से 1420 तक का HDFC बैंक में हो सकता है, इसलिए हम HDFC बैंक की एट द मनी कॉल ऑप्शन 1370 की ले रहे हैं, 30 रुपए का स्टॉप लॉस और 65 रुपए का टारगेट। ओके तो HDFC बैंक पर आ गया है भरोसा नितिन जी का, इस पर रखिए नजर। अभी अभी थोड़ी सी मूव आ रही है, ज्यादा वैसे खास परफॉर्मेंस नहीं रही है HDFC बैंक की, बट नजर रखिएगा इस पर। एक्शन में ये काउंटर भी आते हुए आपको दिख रहा है, चलिए HDFC बैंक इस पर रखेंगे नजर। आइए हिमांशु जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार बिगुल उनके लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी दीपांशु देखिए क्लियरली आज ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक स्टॉक जो कि मुझे लगता है कि एक अपमूव के लिए तैयार है वो है अपोलो टायर्स का। मेरा मानना है कि स्टॉक ने 2-3 बार इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया है लेकिन बार बार लोअर लेवल्स पे अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और आज जिस तरह से बार बार लोअर लेवल्स पे फिर से एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है मुझे लगता है कि यहाँ पर 210-212 रुपए तक का एक अपमूव आता हुआ नजर आ सकता है तो अपोलो टायर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है 201 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 210 और 212 तक के टारगेट्स के लिए और अल्टरनेटिवली यहाँ पर 205 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे हम अगले महीने का जो कि लगभग 9.5 रुपए के आसपास करंटली भाव है जिसका 7 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और मेरा मानना है कि यहाँ पर 14-15 रुपए तक के टारगेट्स 1-2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस समय अपोलो टायर्स पर खरीदारी करने की। आइए 2:30 बजे हैं और लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटजी। अनिल जी हमारे बाजार तो ठीक हैं, डाउ फ्यूचर्स थोड़े से रिकवर हुए थे अभी भी पर 100 अंक नीचे हैं, थोड़ी देर पहले 125-150 अंक नीचे थे वहां से हल्की रिकवरी आई है, नैसडैक फ्यूचर्स में भी हल्का सा दबाव बना हुआ है। यूरोप क्योंकि कल ज्यादा फिसले थे आज यूरोप के बाजार आपको अच्छे मोमेंटम में दिखेंगे। चाइना में लॉकडाउन का डर है इसलिए चीन के बाजार 1.5% नीचे थे बट बाकी एशिया में ठीक ठाक कारोबार दिखा, हालांकि बाकी एशिया के बाजार भी डेज हाई से फिसल कर बंद हुए, कुछ गेन्स गिव अप करी थी तो अच्छा मोमेंटम है। हमारे बाजार आज आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, सर क्या करना है इस समय? बायोन डिप्स अभी तक ठीक है दीप, एक्चुअली रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ मतलब है ना वो पिलर्स लगे हुए हैं तो आप कहीं भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इतना जल्दी होगा नहीं। पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज की तेजी के बावजूद ओवरबॉट नहीं हुए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.96 है, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कल से कम है जी, 0.82 से 0.8 है। अच्छा तो बढ़ा नहीं है। जबकि बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है तो आप कंफर्टेबल है, पहली चीज। गिरेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि सपोर्ट बहुत क्लियर कट है और वो सपोर्ट आपके लिए बड़ा सपोर्ट 17,000 है जो आपका टूटेगा नहीं। 17,000 के पुट पर 80 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये तो अब से लेके एक्सपायरी तक के लिहाज से बड़ा सपोर्ट जी। आज के लिए बड़ा सपोर्ट आपका 17,100 है, 17,075, 17,100 जो आज का लो है 17,064 का।
50 लाख शेयर 17,100 के पुट पे हैं और ये तुरंत सपोर्ट का काम करेंगे। इस अभी तक जो डेटा दिख रहे हैं उससे संभावना ये बनती है कि आप 17,100 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देंगे, क्लोजिंग आपकी 17,100 के ऊपर हो सकती है। और इसकी वजह दीप एक और है कि 17,100 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं, कॉल्स में भी 57 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप 17,100 या 17,075 की रेंज में पहुंचते हैं तो कॉल राइटर जो फंसा हुआ है सुबह से वो भी सोचता है कि चलो काट के खत्म करो, अपनी प्राइस हाइक जाने दो, जिद नहीं करना है। करेक्ट। अब उनके हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही डाउ फ्यूचर्स है थोड़ा बहुत, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। और यही डाउ फ्यूचर अगर समझो अभी 70 पॉइंट नीचे, अगर 5 मिनट डाउ फ्यूचर ग्रीन हो जाए तो आप देखो ऐसी भगदड़ मचेगी शॉर्ट काटने की, आप देखते रह जाएंगे। तो शॉर्ट वाला भी उतना ही डरा हुआ है जितना एक दिन पहले तक लॉन्ग वाले डरे हुए थे, तो आज डर उस तरफ है। सो मेरा ये समझना है 17,100 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा बता रहे हैं वो 17,100 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या हम 17,200 के ऊपर बंद हो सकते हैं, उसकी संभावना भी कम दिखती है। क्योंकि 93 लाख कॉल राइटर्स वहां पर खड़े हैं, बड़ी पोजीशन है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो बेसिकली ब्रॉडर रेंज 17,000-17,200 और बीच में 17,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो अगर आप 17,175 या 17,125 की रेंज में बंद हो जाए, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है, 17,125 या 17,175 इस रेंज में कहीं कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए। तो उस लिहाज से निफ्टी पे मैं न्यूट्रल हूँ, बायस पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आएगा 17,075-17,100 तो खरीदेंगे, 17,175-17,200 आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, डे ट्रेडर के तौर पर इंतजार करेंगे और पोजिशनल ट्रेडर के लिए क्लोजिंग देखेंगे 3:20 पर। तो ये निफ्टी के डेटा मुझे दिखा रहे हैं, डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई चमत्कार हो जाए कि डाउ फ्यूचर्स भाग जाए और 17,200 पार कर जाए, फिर तो कहने की है, फिर तो सीधा 17,400 की यात्रा बनेगी, क्योंकि फिर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो तगड़ी वाली आएगी। ये होगी आपकी निफ्टी का। अब आइए बैंक निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी यही हाल है, और बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल 3 बजे तक वाला जो इनको चाहिए ना हमारे कौन कुणाल जी को 36,500 के पुट पर 21 लाख शेयर है, कॉल्स में 40 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,500 के कॉल पर है। और यही वजह हम बार बार 36,500 के आसपास जाते हैं, पिटाई खा के वापस आ जाते हैं, वो आता है थप्पड़ लगती है फिर नीचे, फिर हिम्मत करके आता है कि इस बार वापस जाता हूं। हां, लेकिन एक चीज क्लियर है, बहुत नीचे की रिस्क भी नहीं दिख रही है। 36,300-36,500 बचे हुए समय के लिए अभी फिलहाल रेंज दिख रही है। तो अगर बैंक निफ्टी में 36,500 पार करके निकल गए, टिक गए, तो मजा आ जाएगा, फिर अच्छी तेजी बनेगी। नहीं तो आज के लिए 36,500-36,600 की रेंज में सप्लाई है, नीचे में 36,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गया, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो निफ्टी में नीचे सपोर्ट ज्यादा क्लियर कट दिख रहा है, बैंक निफ्टी में ऊपर रुकावट थोड़ी दिख रही है 36,500 के आसपास और 17,200 पे वही तो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करना जरूरी है, सपोर्ट चाहिए बाहर से थोड़ा आ सकता है। डाउ फ्यूचर्स फिर से रिकवर है, 70 पॉइंट ही नीचे, कोशिश कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ी रिकवर आएगा, ऐसा लग रहा है कि कोशिश होगी। मतलब जिस हिसाब से लग रहा है थोड़ा आखिरी मिनटों में, मतलब अभी भी आप देखो ना, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या देखिए एनएसई पे, 1300 शेयर करीबन 1275 मजबूत है, 675 कमजोर है। तो मार्केट ब्रेक ठीक है, बीएससी पर 2000 शेयर मजबूत है, 1500 शेयर कमजोर है, तो ऐसा कोई खराब नहीं है। ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा कम है इसलिए, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट आने में 50-100 पॉइंट में डाउन में कितना टाइम लगता आ जाए तो अभी इमीडिएटली हो जाएगा। पर एक स्टॉक है सर जिसकी ब्रेकडाउन है, एक्सिस बैंक, वैसे होल्ड आउट कर रहा था, अभी एक्सिस बैंक की चार्ट पुल अप करिए, सडनली यहां पर फॉल आते हुए, इसलिए बैंक निफ्टी भी देखिए थोड़ा कमजोर हुआ, 350 पर आ गया बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक की वजह से नीचे आया है। करेक्ट, राइट, अभी कुछ ही मिनटों में गिरा है, कुछ तो हुआ है। रिजल्ट तो कब है इसके? रिजल्ट में तो वक्त है एक्सिस बैंक के रिजल्ट में, मैं ढूंढ के बताता हूं। नहीं, मैं भी ढूंढ लेता हूं, लेकिन एक्सिस बैंक के रिजल्ट है गुरुवार को, परसों। ओके, रिजल्ट से पहले थोड़ा एक्सिस बैंक कमजोर होता हुआ दिखा है। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एक्सिस बैंक के लिए एक बार जरा चेक कर लिया जाए। हिमांशु जी देखिए, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है एक्सिस बैंक में कहां स्टॉप होना चाहिए? अनिल जी देखिए, पहले टाइम फ्रेम पर जो जेन्युइन स्टॉप लॉस बनता है वो करीब 765 रुपए के आसपास का बनता है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी अगर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है तो शायद ये सपोर्ट का काम करेगा, तो बहुत जल्दी पैनिक करके यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें सबसे अच्छा चार्ट, पॉजिटिव चार्ट है वो एक्सिस बैंक का ही है। और अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से ब्रेकआउट देना है, ब्लीड करना है, तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक के क्रूशियल रोल प्ले करता नजर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक। सेठी साहब तैयार हैं? सेठी साहब की एक और पिक लेनी बाकी है, तो एक बार देखो, इतना देर हो गया, काफी देर पहले ली तो बिगुल तो वापस बनता है, और ऐसे कुणाल जी राकेश जी भी शो में 10 बार पिक देते हैं तो 10 बार बिगुल बजता है, और सेठी साहब पूरे शो में है, इससे पहले कि सेठी साहब कभी ऑब्जेक्शन ले लें हम पहले ही बजा देना बिगुल। तो सेठी साहब के लिए बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स।
त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये था पहला स्टॉक सेठी साहब की पसंद का आज के लिए, जहां पर 220 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर। नहीं अनिल जी, पहले तो ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग नहीं था, त्रिवेणी टरबाइन है। टरबाइन रख लो, त्रिवेणी तो है ना। जिस कंपनी के नाम पे इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग करती नहीं है, वो शुगर बनाती है। इंजीनियरिंग का काम होता है वहाँ, इंजीनियरिंग वर्ड नहीं है। ठीक बात है, त्रिवेणी टरबाइन जी बिल्कुल सुधार, भूल सुधार बताए सर। दूसरा स्टॉक जी, जो दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज, जो की अभी 211 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक फंडामेंटली जबरदस्त कंपनी है, भारत की एक लीडिंग प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड्स, विनियर्स और डोर्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है और इनका एक एसेट लाइट मॉडल है, मतलब ये सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। तीन इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक वेस्ट बंगाल में है, एक गुजरात में और एक मेरे होम स्टेट नागालैंड में भी है, और एक इनका प्लांट वेस्ट अफ्रीका में भी है। बाकी इनका 60% ये आउटसोर्स करते हैं, तो उस हिसाब से इनका एसेट लाइट मॉडल है। और 26% ऑर्गेनाइज्ड जो प्लाईवुड का मार्केट है उसमें 26% इनका मार्केट शेयर है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू आउट इंडिया अराउंड 2200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, करीबन 6000 रिटेलर्स के थ्रू इनका प्रोडक्ट बिकता है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 230 तक के लेवल्स टच कर सकता है, स्टॉप लॉस सकता है 205 रुपये। तो ये है आपके लिए ग्रीन प्लाई, जहां पर आपको करनी है खरीदारी सिटी साहब की तरफ से, उनकी दूसरी बेहतरीन कैश की पिक। नजर रखते हैं 230 के टारगेट, 205 का स्टॉप लॉस इस पर लगाना है। आइए एक दो कॉल्स और लेनी है एक्सपर्ट्स के साथ, एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा दीपांशु? स्टॉक बाय का रडार पे आया है, 1681 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एलएनडी। एलएनडी के अंदर पिछले 10 से 11 दिनों की गिरावट के बाद अब आज पहला दिन है जब इसने बाय का मोमेंटम पकड़ा है, और ये स्टॉक अब आने वाले एक हफ्ते के अंदर यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे एलएनडी में खरीदारी करें, 1660 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 1710 रुपए का पहला टारगेट, 1725 रुपए का दूसरा टारगेट। ये सिर्फ पुलबैक और बाउंसबैक के टारगेट है। मेरे को ओवरऑल लगता है कि इस बार स्टॉक इस मूव के अंदर 1800 प्लस के लेवल दिखाएगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 1710 1725 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें, 1660 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये है आपके लिए एलएनटी, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए भसीन साहब भी तैयार हैं, करते हैं उनका स्वागत, भसीन के हसीन शेयर्स। मजीद साहब गुड आफ्टरनून सर, बाजार में बढ़िया एक्शन है, बताएं क्या है आपकी स्ट्रेटजी आज? अब पहले दीपांशु अपडेट दे दूं, मदरसन में दो दिन से कह रहा था 34-35, आज देखिए 41 रुपए हो गया है, तो बने रहिए, 145 का टारगेट कल ही आ सकता है इसमें। उसके अलावा फेडरल बैंक और अपोलो टायर दोनों मैंने दिए हुए थे कल, वो भी दोनों चल गए। अब आपके लिए दो बायस हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। मजीन साहब प्लीज बताएं सर। हाँ, तो देखिए सबसे पहले लीजिए एनटीपीसी, मैंने सुबह भी कहा था एनटीपीसी नंबर्स बिलियन बिजनेस और वॉल्यूम और ग्रोथ इज अनइमेजिनेबल, पावर इज इन द बेस्ट स्पेस एवर, और उनके रिसीवेबल्स और उनके मार्जिन्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड, और आउटपुट आप देख ही रहे हो, आई थिंक वॉल्यूम्स आर एट ऑल टाइम हाई। 56.5 में लीजिए स्टॉप लॉस, और 53,165 कल का भाव आपको दिख जाना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी इज अ लार्ज हेवी वेट विच विल टेक द निफ्टी हायर। सेकंड बाय इज टीआई इंडस्ट्रीज, द अर्स्टवाइल एक्सेल क्रॉप साइंस, उसके नंबर्स लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे आए और इस क्वार्टर में इट विल बी अ पाथ ब्रेकिंग नंबर। पीआई इंडस्ट्रीज इन द एग्रोकेमिकल स्पेस इज द बेस्ट प्लेस स्टॉक टू बाय, 2880 में लीजिए स्टॉप लॉस ऑफ 2830, दिस इज हेडेड टू 2975 टू 3000। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी और पीआई इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको रखनी है नजर, दोनों पे अच्छा एक्शन आ सकता है। 3000 तक के टारगेट्स आपको पीआई इंडस्ट्रीज पे आते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। कल सुबह फिर से होगी भसीन साहब के साथ मुलाकात कुछ और बेहतरीन काउंटर्स के लिए। एक्सिस पर रखिए नजर, इस पर आया है एक ब्रेकडाउन जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पर प्रेशर पड़ा है, बट उसके अलावा कुछ ज्यादा और बदलाव नहीं हुआ है, बाकी सारे काउंटर्स अभी भी ठीक ठाक होल्ड आउट कर रहे हैं। बाटा पर एक मूव आते हुए दिख रही है, एक बार जरा बाटा पर चार्ट चेक लिया जाए। सुमित जी काफी समय से बाटा पर बात नहीं हुई है, जरा देखें इसका चार्ट।
बाटा के अंदर भी मोमेंटम है दीपांशु, बाटा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और आज का मूव तो स्टॉक के अंदर करीब करीब 80 रुपए का अभी तक आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि बाटा के अंदर यहां से 2000 का लेवल क्रॉस करेगा और जल्दी ऊपर में 2050 के लेवल बाटा में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 1940 के आसपास का बनेगा और ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2000 के बाद 2040 तक के लेवल बाटा में देखने को मिल सकते हैं। तो यह है आपके लिए बाटा, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन आ रहा है, एक बार सेठी साहब से भी राय ले लिया। सेठी साहब, बाटा दीपांशु गलत स्टॉक के लिए मेरे पास आके बाटा पे मैं कोई राय नहीं रखता, फॉर पर्सनल रीजंस आई डू नॉट रिकमेंड अदर स्टॉक्स। कोई बात नहीं, वेंकिस पे दे दीजिए बेचारे गॉडफ्रे फिलिप्स नहीं, वो तो चलेगा गॉडफ्रे फिलिप्स वो चलेगा। अच्छा, और मैकडोवेल मैकडोवेल भी अच्छा, ओके अच्छा, हाँ तो पता नहीं क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं चलता है, मतलब स्टॉक्स के हिसाब से। सेठी साहब हाँ ठीक है, आगे हाँ स्टॉक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा खुश तो बंसल जी हो रहे हैं। देखो क्या आज मेरे अलावा भी किसी को इतनी मोहब्बत दिख रही है। जी कुणाल जी, अनिल जी देखिए ESG आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है अनिल जी, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। हमारे सेठी साहब तो पहले से ही ESG मोड में अनिल जी 100% एकदम BSG वाले ही हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छा सेठी साहब ITC तो रिकमेंड करते ही है ना? हाँ अनिल, तो करो दो साल पहले दिवाली पे 180 रुपए के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ, बहुत थकाया इस स्टॉक ने, बाकी इस साल परफॉर्मेंस अच्छा रहा और अब यहाँ से भी अच्छा लग रहा है। और बाकी जिन्होंने लिया हुआ लॉन्ग टर्म के लिए आज से तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें डाउन द लाइन मुझे लगता है ये जो डीमर्जर होना है इनके बिजनेसेस का वो आना चाहिए और वंस दैट हैपेंस अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए इसमें। तो अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, नजर रखते हैं ITC पर, इस पर तो एक्शन बना हुआ है। नजर रखिए BEL और HAL दोनों डिफेंस दिग्गजों ने करार कराया, ये बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी थोड़े वर्किंग रिलेशन तो हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है BEL डिफेंस काउंटर्स के लिए, बट HAL और BEL के बीच में करार है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है। दोनों ही डिफेंस स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में दिखे हैं आपको पिछले कुछ दिनों से। इंडिजिनस IRST सिस्टम्स बनाने के लिए ये करार करा गया है, ये आपके लिए खबर आती दिख रही है। तो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स ये है, इसको बनाने के लिए करार किया गया है, भारत में ही बनाए जाएंगे, इंडिजिनस मतलब भारत में बनाए जाएंगे IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स बनाने के लिए करार किया गया है। नजर रखिए जो एयरक्राफ्ट में यूज होंगे ट्रैकिंग के लिए वो BEL बनाएगी, इसलिए इन दोनों दिग्गजों के बीच में करार है। सिटीज आप डिफेंस स्टॉक्स और दोनों ये है, आप ट्रैक भी करते हैं, खबर भी आ रही है, HAL थोड़ा इस खबर पर रिएक्ट भी कर रहा है, BEL तो ऑलरेडी काफी समय से एक्शन में रहा है। जरा नजर डालें सर, IRST थोड़ा डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम्स बनाने के लिए ये करार किया गया है। नहीं देखिए दीपांशु, ये दोनों स्टॉक ही एक बहुत ही अच्छे तेजी के ट्रेंड में है और इसके अलावा भारत डायनेमिक्स वो भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो जिस तरह से सरकार का डिफेंस पे फोकस है तो ये सब कंपनियां अच्छी करनी चाहिए। और ये जो करार हुआ ये डिटेल्स देखने पड़ेंगे, बट मुझे लगता है पॉजिटिव ही रहना चाहिए दोनों कंपनियों के लिए। और बाकी ये डिफेंस के स्टॉक्स यहाँ से भी वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छे लगते हैं, हालांकि रनअप अच्छा खासा हो गया है, बट अपॉर्चुनिटी है आने वाले क्वार्टर्स में, तो आई एम बुलिश ऑन दीज स्टॉक्स और वुड मेंटेन अ होल्ड एट दीज लेवल्स। तो ये है आपके लिए नजर, BEL जहां पर आपको रखनी है नजर और HAL जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए कुछ कॉल्स भी आनी बाकी हैं और साथ ही कुछ नतीजे भी आ रहे हैं जिस पर हमें करनी है चर्चा। HDFC लाइफ इसके आने वाले हैं नतीजे, लेते हैं इस पर प्रीव्यू। वरुण है हमारे साथ तैयार, वरुण बताएं HDFC लाइफ कैसे रहेंगे इसके नतीजे? दीप नतीजे तो इस कंपनी के ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़ी निराशा नहीं, तो कोई ऐसे तोड़फोड़ नंबर्स भी नहीं रहने वाले हैं। खासकर APE और VNB अगर आप बिजनेस देखेंगे इस कंपनी का, वहाँ पे 5-7% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। खासकर जो APE बिजनेस है वहाँ हाई बेस के कारण जो ग्रोथ है वो दरअसल सिंगल डिजिट में रहने वाली है। VNB जो है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ रहेगी, इनफैक्ट VNB मार्जिन जो है वो भी 27% से बढ़ के 27.2% के आसपास आ सकते हैं। प्रोटेक्शन कारोबार वहाँ पे ग्रोथ अच्छी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे बड़ा कारोबार रहता है। इसके अलावा जो बाकी कारोबार है वहाँ से भी थोड़ी बहुत मदद इस कंपनी को मिल सकती है। हमारा अनुमान है नेट प्रीमियम इनकम जो है उसमें 12.3% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है, 14,450 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। और मुनाफा जो है उसमें 18.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 377 करोड़ के आसपास ही आने वाला है। तो नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, ग्रोथ ठीक ठाक रहने वाली है।
ठीक ठाक रहेंगे, ग्रोथ भी ठीक ठाक रहने वाली, कुछ ज्यादा फायरवर्क्स इस पर एक्सपेक्ट ना करें आप। चलिए नजर रखेंगे HDFC लाइफ, थोड़ा चार्ट भी वैसे ज्यादा एक्शन है नहीं, इंश्योरेंस स्टॉक्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस इनसे हमने देखी नहीं है। हिमांशु जी जरा देखें HDFC लाइफ के चार्ट को सर। दीपांशु देखिए, एक अच्छा बेस बनाने के बाद स्टॉक ने 500 रुपए के आसपास से एक रिकवरी मोड शुरू किया। उसके बाद एक पहला ये मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट है टुवर्ड्स दैट सपोर्ट, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा देखना 530-535 का सपोर्ट जोन। अगर स्टॉक नंबर्स के बाद इस लेवल को होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शायद एक इंटरमीडिएट टर्म रैली जो है वो बनती हुई नजर आए, और अपसाइड में 575-580 रुपए जो है वो पहला एक हर्डल है जिसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि स्टॉक में जो लंबी समय से करेक्शन होते हुए नजर आ रही है वो यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिले। HDFC लाइफ पर यह है आपके लिए राय। आइए बिल्कुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी कौन सा विशेष स्टॉक आपने चुना है? अनिल जी स्टॉक जो है वही है जो आपने भी कवर किया है और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट व्यूज भी लिया है, उसके बाद मैंने ट्रैक करना शुरू किया था। स्टॉक का नाम है BLS इंटरनेशनल, 347 के आसपास चल रहा है और लास्ट 15 दिन के कंसोलिडेशन को अपसाइड ब्रेक कर रहा है और विथ वॉल्यूम। अनिल जी मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है, ये काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब रैली रिज्यूम कर रहा है और जिस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्टडी किया है मुझे लगता है अनिल जी 3,500 करोड़ का मार्केट कैप पे 35 times पे चल रहा है, लेकिन डेट फ्री कंपनी है, सेल्स सुपर्ब है और मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया तो मुझे समझ में आया अनिल जी ये वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं और जब वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं वो काफ़ी बैडली सफ़र हुआ था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। अब क्योंकि अनलॉक थीम है और ग्लोबली जिस हिसाब से वापस कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल रहे हैं मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू डू वेरी वेरी गुड। इनका जो ओवरऑल ग्रोथ प्रस्पेक्ट है मुझे लगता है आने वाले 1 या 1.5 साल में इनका जो बॉटम लाइन है ऑलमोस्ट अभी जो 100 करोड़ है वो 150 करोड़ का हो जाएगा, तो मुझे लगता है स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल अपसाइड है फ्रॉम अ फंडामेंटल एज वेल एज द टेक्निकल। करंट वैल्यूएशन पे मुझे लगता है अगर आप फॉरवर्ड डिस्काउंट करते हो तो मुझे लगता है रिलेटिवली चीपर है क्योंकि टेक्निकल है तो मुझे लगता है यहाँ पे 330 का काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, उसके सामने 400 और 450 ये दो टारगेट होंगे BLS इंटरनेशनल में। 450 के टारगेट के लिए BLS इंटरनेशनल में खरीदारी करने के लिए विश्वेश जी की 7 जनवरी 2021 ये तिथि इतिहास में दर्ज हो चुकी है जब आपके बजट में सस्ता शेयर वरुण आपकी खरीद रहे हैं 110 रुपए के आसपास, 105-110 रुपए के आसपास BLS इंटरनेशनल हमने दिया था बजट के ठीक पहले, वहां से ज्यादा नहीं सिर्फ साढ़े तीन गुना सिर्फ हालांकि हुआ तो इससे भी ज्यादा था, अभी आज की तारीख में 3.5 गुना है, 350% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं इस वक्त। तो ये है आपके लिए BLS इंटरनेशनल 400-450 रुपए के टारगेट के साथ विश्वेश जी की तरफ से राय खरीदारी करने की कैश मार्केट के स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के आने वाले हैं रिजल्ट्स का सीजन जोरों पर है, आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे वरुण नतीजे अनुमान बताइए। ठीक है अनिल जी, तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इस कंपनी ने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था जहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ जो है उसमें 46% की बढ़ोतरी हुई थी, कासा रेशियो करीब 23 से बढ़ के 37 के आसपास आ चुका था तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली थी। लोन AUM जो है उसमें 27% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी, ग्रॉस एडवांसेस 32% बढ़े थे, तो काफ़ी हद तक इस कंपनी ने यह बता दिया था कि हमारी ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो है उसमें करीब 30-35% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। एसेट क्वालिटी में सुधार होगा, क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें कमी आने का अनुमान है। हमारा अनुमान है कि NII जो है उसमें करीब 37.2% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 900 करोड़ के आसपास आ सकता है, मुनाफा 320 करोड़ के आसपास आएगा, ग्रॉस NPA 2.6% से गिर के 2.3% पे आएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है करीब 5.5-6% के आसपास रह सकती है। तो नतीजे कंपनी के अच्छे रहेंगे हर पैरामीटर पे, लेकिन नतीजों के अलावा बोनस शेयर जो ये कंपनी देने वाली है उसके ऊपर भी सभी की नजर होगी। तो बोनस पर ज्यादा नजर है, नतीजों पर उतनी नजर नहीं है और उससे पहले शेयर में भी अच्छी रैली आ चुकी है। पहले तो ऐसे कई सारी कंपनियों के आपने अनुमान बताए, उन कंपनियों का भी बोनस था, तब तो आपने कभी ऐसा नहीं बोला बोनस पे ज्यादा नजर रहेगी, ये अप्रैल के महीने में ऐसा क्यों करूं? ऐसा कुछ नहीं है, क्या होता है वो आपके दिल की बात मुंह पे आ जाती है। तो वरुण बोनस पे बहुत नजर है, जरूर है यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अच्छा बाकी नहीं चाहिए उन्हें, खुद का तो मिले नहीं मिले, क्या अब क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है।
तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वो स्टॉक्स जहां पर रखिएगा नजर, आने वाले हैं रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस का भी ऐलान किया जाएगा कंपनी की तरफ से। बढ़ते आगे और अब एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी देखिए क्लियरली आज जो सेक्टर है वो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज, यही एक ऐसा स्पेस है जहां पर बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक स्टॉक जो अनिल जी मेरे रडार पर आया है वो कैश सेगमेंट का स्टॉक है, स्टॉक है जमुना ऑटो, जो कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सुमित जी बहुत बार पास में भी इसको कवर करते आए हैं। अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक डिसेंट टाइम कंसोलिडेशन पूरी करते हुए नजर आया है और जिस हिसाब से यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज 115 रुपए के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक न केवल नया हाई बनाने के लिए तैयार है बल्कि काफी ऊपर के लेवल्स तक जाने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल्स पर जमुना ऑटो में खरीदारी करेंगे अनिल जी, लगभग 118 18.5 के करंट लेवल्स हैं, 116 रुपए तक भी कोई भाव मिलता है तो यहाँ पर एड करके चलने की सलाह रहेगी। 112 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 128 रुपए का, दूसरा टारगेट 135 रुपए का। और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों ही बड़े टारगेट्स आज या कल तक के ही सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, जो कि एक पोटेंशियल डबल बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, उसका यहां पर ब्रेकआउट आने की तैयारी है। तो जमुना ऑटो में खरीदारी करके चलने की सलाह है। जमुना ऑटो, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। सुबह सुबह सुमित जी ने भी कहा जमुना ऑटो सबको जमेगा, शो खत्म होते होते 115.50 पे दिया था, 121 और 125 के टारगेट के लिए। सुमित जी धन्यवाद, आप देंगे हिमांशु जी को या मैं दूं आपके बिहाफ पे? नहीं अनिल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए और बोलने के लिए। हाँ। तो धन्यवाद है हिमांशु जी। हाँ। और जमुना ऑटो बिल्कुल अभी सबको और जमेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके लेवल्स टूटेंगे इसमें ऊपर के लेवल्स और बनते जाएंगे। वैसे हिमांशु जी आप क्या प्रीफर करते हैं, ऐसे ये सूखा सूखा इस तरह से बोल के जो धन्यवाद दिया वैसा ही या कोई और तरीके से? अनिल जी तरीके तो बाकी भी पसंद है पर सुमित जी दूर है तो मिलना होगा। ओके, जब भी मुलाकात हो सुमित जी से। हाँ जी सुमित जी, दूसरे तरीके ज्यादा पसंद है कोई, आप पार्टी वार्टी दें, लंच डिनर पे ले जाएं ऐसा? नहीं अनिल जी ये दूर बैठे हैं तो ये वाला एकदम सही है अनिल जी। मतलब आप समझ लो पास भी होंगे तो इसी तरह का मिलेगा सुमित जी से, ये समझ गए। सुमित जी अभी तो हाँ बोल के रखो, बाद में क्या है, देना नहीं देना तो बात की बात है, क्यों है ना। एनीवे अनिल जी रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे रिकॉर्ड में तो है ना। एनीवे अनिल जी रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे रिकॉर्ड में तो, रिकॉर्ड में क्या क्या नहीं हुआ है, वो कहाँ सोने के कॉइन, कहाँ जर्मनी की यात्रा, कहाँ गोवा के, गोवा का घूमना, अरे बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड पे होने पे कुछ नहीं होता, करेक्ट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, हो नहीं रही। आइए सेठी साहब तैयार है अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ, वायदा कारोबार का एक बेहतरीन स्टॉक बता रहे हैं सेठी साहब के लिए बिगुल, सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। जिस स्टॉक में अभी खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉक का नाम है पीएफसी, जो कि अभी 118 के लेवल पे ट्रेड करता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पावर प्रोजेक्ट्स पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है, 2.3 के मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है अराउंड 8.5% की, पिछले साल 9 से 10 रुपए का डिविडेंड दिया है और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 0.39 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी हम देख रहे हैं पावर सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी बनी है, मुझे लगता है उसका असर इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो पावर फाइनेंस कंपनीज को भी होना चाहिए। तो पीएफसी वुड बी ए गुड पिक एट दीज लेवल्स, मतलब इन लेवल्स पे बहुत ही सस्ता, अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 123 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 115 रुपए। 115 का स्टॉप लॉस, 123 का टारगेट, ये है आपके लिए पीएफसी में खरीदारी करने की राय। अब समझ में आया एनटीपीसी जो दिया है ठीक ही दिया है, इसका मतलब एनटीपीसी किसने दिया था अभी, नहीं पावर ग्रिड विश्वेश जी ने दिया था। विश्वेश जी ने दिया था। हाँ, अगर सेठी साहब पीएफसी दे सकते तो फिर तो पावर ग्रिड देना तो विश्वेश जी का भी बनता है, उनका भी हक है। और एनटीपीसी देखे गए थे अभी भी थोड़ी देर पहले, बसीन साहब भी। तो पावर स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। आइए एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ते आगे, हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके लिए। तरुण बताइए क्या है खबर, किस सेक्टर किस स्टॉक से जुड़ी हुई? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा जो ये खबर है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई है और जिसका सीधा फायदा आईईएक्स
ONGC और ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन को होने वाला है। नीति आयोग जो कि एक पॉलिसी डिवीजन है गवर्नमेंट का, वो ऑयल एंड गैस का अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर बढ़े उस पर एक प्लान बना रही है, और वो प्लान हम अब अपने दर्शकों के साथ साझा करना जा रहे हैं। बेसिकली अभी ऑयल एंड गैस जो ONGC और ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये दोनों कंपनियां अभी फ्री गैस प्राइसिंग नहीं कर पाती है। इसके लिए नीति आयोग ने प्लान बनाया कि एक्सचेंज के थ्रू उसको फ्री गैस जो प्राइसिंग है उसको फ्री प्राइसिंग रखा जाए। तो इसके लिए नीति आयोग काम कर रहा है, और इसका सीधा फायदा IGX को होगा, और IGX IEX की सब्सिडरी एक्सचेंज है जो कि एक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके साथ साथ सरकार जो है वो ऑयल का एक्सप्लोरेशन इंडिया के अंदर बढ़े इस पे कामकाज कर रही है, इस पे एक पॉलिसी तैयार कर रही है। नीति आयोग का मानना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं जो 10% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है, इसको दूर कर देना चाहिए। इससे जो कंपनी एक्सप्लोरेशन करती हैं उनको नुकसान होता है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि नीति आयोग की जो ये जो सिफारिश है वो जब PMO जाएगी, तो हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे तो 10% जो एक्स्ट्रा हिस्सेदारी गवर्नमेंट को दी जाती है वो नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ देश के अंदर 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सेसमिक एरिया है जहां पे ऑयल क्रूड ऑयल निकाला जा सकता है, लेकिन अभी हम केवल 9% ही उसका यूज करते हैं। इसको बढ़ाने का भी नीति आयोग ने एक प्लान तैयार किया है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए, और जिससे जल्द ये जो एक्सप्लोरेशन जो ऑयल फील्ड से ऑयल निकाला जा सके। तो ये एक पूरा प्लान है जो नीति आयोग जल्द ही PMO को भेजेगा, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 महीने में ये कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भी आ सकता है। ओके, तो मतलब नीति आयोग की तरफ से प्लान फाइनल होने वाला है, 2-3 महीनों में कैबिनेट के पास भी पहुंच सकता है। यानी कि यूं समझा जाए तरुण की ये गैस प्राइसिंग को लेकर नई नीति आपके 3 से 6 महीने के भीतर बन जाएगी। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ONGC और ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दो ऐसी कंपनीज हैं PSUs की जो अभी स्पॉट प्राइस से काफी नीचे अपने गैस के प्राइस को बेचती हैं, लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि इनको फ्री प्राइसिंग दिया जाए जिससे ये ज्यादा कामकाज कर सकें गैस फील्ड पे भी। इस वजह से, और इसका सीधा रास्ता जो है वो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म हो सकता है कि एक्सचेंज पे जिस तरीके का ट्रेड होता है वो एक बेंचमार्क बन जाए। तो उसपे सरकार काम कर रही है, और जल्द ही कैबिनेट अप्रूवल के लिए इसको भेजा जाएगा। पेट्रोल डीजल भी पूरी तरह से फ्री प्राइसिंग में आ नहीं पा रहे, आप देख सकते हैं कहाँ ना हो पा रहे, कोशिश रहती है लेकिन इनडायरेक्टली तो थोड़ा बहुत मतलब फिर भी हाँ जितने हुए उतने ठीक है, उतने हो गए हाँ। लेकिन ये है, तो चलिए एक फ्री प्राइसिंग की दिशा में बड़ा कदम ये होता है। IEX को बड़ा फायदा होगा। हाँ, IEX को बड़ा फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा IEX को ही होगा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी गैस एक्सचेंज है, वॉल्यूम्स थोड़े कम है, वैसे नहीं है पावर जैसे ट्रेडिंग, बट फिर भी फुल फ्लेज ट्रेडिंग शुरू होती दिखेगी। IEX आज सुबह किसी की रिकमेंडेशन लिस्ट में आया भी था शायद, मेरे ख्याल से आई थिंक भसीन साहब बोल के गए थे IEX। चलिए IEX के चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए। नितिन जी, जरा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, 3% 3.5% ऊपर चार्ट देखेंगे। देखिए अनिल जी, IEX सपोर्ट लेवल पे है, और ये सपोर्ट आप देखेंगे तो 220 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ से थोड़ा बाउंस आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में भी देखिए बाउंस आ रहा है, और ये काफी ओवरसोल्ड कंडीशन में सपोर्ट पे भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 235 की तरफ एक बार बाउंस होकर आना चाहिए स्टॉक को, तो इस लेवल से एक बार बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 220 का बनेगा, और 235 से 240 के टारगेट बन सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए IEX, जिस पर आपको रखनी है नजर। अच्छा मूव आ रहा है, निफ्टी 17200 पर आ रहा है, बैंक निफ्टी के सहारे के बिना ये हो रहा है, बैंक निफ्टी का सहारा नहीं है इस समय। 3:05 17200 एग्जैक्ट। कुणाल जी, अब तो मानना पड़ेगा, ये क्या बोलते इसको, फिबोनाची क्या क्या कहते हैं कुणाल जी से? अनिल जी देखिए, फिबोनाची जो थे अनिल जी वो इटली में गणितज्ञ थे। हाँ अनिल जी, उससे बड़े गणितज्ञ आप हैं अनिल जी। तो अनिल जी वो तो अप्रोक्सीमेट लेवल्स बताते थे, आप एग्जैक्ट लेवल बताते हैं 3:05 का। अच्छा, वो गणितज्ञ थे। अच्छा, मुझे तो लगा कोई फॉर्मूला का नाम है। हाँ, वो फिर गोल्डन रेशियो उन्होंने निकाला था ना। अच्छा, उसी सीक्वेंस करके। वाह, बचपन में किस किसने पहाड़े याद किए हुए, टेबल्स याद के लिए, टेबल्स सबने करे, सबने करे। कहां तक, कौन से तक टेबल्स याद की? 20 के आगे का कोई है? हे भगवान, सुनी जी मैं तो आपको इंटेलिजेंट समझता था।
नहीं 20 के ऊपर किसी ने नहीं की जी जी राकेश जी कहां तक 20 से कम मत बताना फिर अनिल जी देखिए यहां तो नहीं अनिल जी यहां तो कुछ गलत बोल भी नहीं सकते पता नहीं चलता कब आप क्या पूछ ले तो अनिल जी 20 तक ही है हम भी 20 तक ही है अच्छा हमारे ही बचपन खराब निकला था 50 तक याद करवाई थी पीट पीट के 50 तक अरे बहुत मार पीट के करवाई थी 50 तक कैसे सर 37 का टेबल कैसे याद रहेगा 43 अरे बहुत बहुत पढ़ती थी भाई तब जाके याद होती थी 20 तक तो खैर नॉर्मल होते हैं 20 के बाद छोड़ देते हैं आमतौर पर कोई कोई टीचर हमारे जैसे वैसे होते हैं जिससे आगे तक भी ले जाते हैं फिर और प्लस वो किसने वो पाव आधा पौन एक दो ढाई ऐसे किस किसने किया यार ये नहीं किया पाव आधा पौन वाला नहीं तो जरा हमारे दर्शकों में से मुझे ट्वीट करके बताया किसने पाव आधा वाला भी टेबल्स याद किया और किसने 20 से ज्यादा हाँ वो तो इजी है अच्छा हाँ वो एक तो पाव आधा वाला और 20 से ऊपर वाला किस किसने किया जरा मुझे ट्वीट करके बताओ आप में से कौन कौन ऐसे बड़े बड़े गणितज्ञ हैं जो अभी बंधन कुणाल जी बता रहे थे अभी पता चल जाएगा कितने गणितज्ञ हमारे दर्शकों में होंगे बहुत सारे मिलेंगे अच्छा हाँ कितनी बार आप देखो अच्छे अच्छे है ना ग्रेजुएट लोगों से है ना जो सब्जी वाले होते हैं ना वो ज्यादा कैलकुलेशन है तो बहुत अच्छा खतरनाक क्योंकि उनको बहुत सारे लोग जाते हैं डेढ़ पाव सब्जी अब डेढ़ पाव का हिसाब लगाना बहुत अगर मतलब 25 रुपए पाव है तो डेढ़ पाव के कितने पैसे हाथ पैर फूल जाते बच्चों के कैलकुलेटर चाहिए होता है उनको वो सब्जी वाला तुरंत करके दे देगा आपको तो उनसे सीखना चाहिए वो टेबल्स के जरिए होता है जो टेबल सीखते हैं ना जो पाव की आधा की वैसा तो चलिए जितना सीखा जाए उतना बढ़िया है तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन खरीदारी करने का कुणाल जी और राकेश जी की तरह चार्ट कॉर्नर या स्पेशल पिक पिक ऑफ द डे पिक ऑफ द डे कल का काम आज ही कर रहे हैं हमारे कुणाल जी और राकेश जी बताएं सर अनिल जी देखिए आज सुबह कैम्ब्रिज शर्ट की बात हो रही थी और आप बोल रहे थे कि कैम्ब्रिज शर्ट पहनी है आपने तो अनिल जी उस जमाने में कैम्ब्रिज शर्ट पहनने वाला व्यक्ति चलाता था बजाज ऑटो और हमारा पिक भी अनिल जी बजाज ऑटो है नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है इसको मिस मत करें और अनिल जी कुणाल जी के बाद आपको अपडेट देना है कि उस जमाने में बजाज ऑटो के अंदर अनिल जी कितने गियर होते थे स्कूटर के अंदर अभी तो बजाज ऑटो को खरीदने हैं ओवर टू कुणाल जी अनिल जी देखिए बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आज ऑटो काउंटर्स में आया और आज हमने शुरुआत की थी सबसे पहले टीवीएस मोटर्स में खरीदारी की राय की और अब देखिए अनिल जी बजाज ऑटो में हमारी खरीदारी की राय है बहुत बड़ा जबरदस्त कैंडल आज बनता हुआ दिख रहा है और स्टॉक ने 3850 के एक रेजिस्टेंस को पार किया है तो यहां पर बाय करके चलने की राय है स्टॉप लॉस रखें 3850 पर 3850 का स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करनी है पहला टारगेट 3950 का इवेंचुअल टारगेट 4025 का बजाज ऑटो में खरीदारी किराए तो बजाज ऑटो में खरीदारी करके चलें। आइए नतीजे आ गए हैं एचडीएफसी लाइफ के जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम वरुण से बात भी कर रहे थे स्टैंड लोन मुनाफे की बात करें तो 358 करोड़ का मुनाफा आया हमारा 377 करोड़ का अनुमान था थोड़ा अनुमान से कम आते हुए दिखाई कुछ ज्यादा नहीं है बट स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स आप इसे कह सकते हैं पहला फिगर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है पर हाँ पिछले साल के मुकाबले देखें तो 318 करोड़ से बढ़कर 358 करोड़ का ये स्टैंड अलोन मुनाफा आपको आते हुए दिखाए एचडीएफसी लाइफ के लिए तो थोड़ा मुनाफे से थोड़ा अनुमान से कम मुनाफा इसका आपको आते हुए दिख रहा है बाकी फिगर्स का भी हम इंतजार कर रहे हैं देखते हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस कैसी रही है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इन कंपनीज के लिए ग्रॉस प्रीमियम इनकम और नेट प्रीमियम इनकम कैसी रही है नेट प्रीमियम इनकम अच्छी बढ़कर आई है इनकी 12,868 करोड़ से बढ़कर आप यहां पर देख रहे हैं 14,290 करोड़ की आपको आते हुए दिखी है तो वो अच्छा फिगर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाए 12,868 करोड़ से बढ़कर 14,290 करोड़ की न्यू प्रीमियम नेट प्रीमियम इनकम इनकी बढ़कर आई है ये एक अच्छा आंकड़ा है फर्स्ट ईयर प्रीमियम में आपने थोड़ी सी कटौती देखी है ये इंपॉर्टेंट है ये देखिए वो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा बाकी अदर इनकम कंपोनेंट यहाँ पर स्टेबल ही आता हुआ दिखा है तो इनके लिए है ₹1.70 प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है कुणाल जी जरा चार्ट देखें एक बार एचडीएफसी लाइफ के सर
देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, नीचे के लेवल्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और उसके बाद उछाल भी आता हुआ दिख रहा है। मुझे मौजूदा स्तरों के आसपास सपोर्ट नजर आता है, तो मेरी राय में देखिए अब इसमें काफी बड़ी बिकवाली और अंडर परफॉर्मेंस हमने देख ली है, तो मुझे नहीं लगता कि और बहुत बड़ा डाउनसाइड यहां से बचा है। इसलिए अगर आप थोड़े पेशेंट ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। जो सपोर्ट है वो मुझे 530 रुपए के आसपास नजर आता है और रेजिस्टेंस जो है वो 580 का, 580 का लेवल पार हुआ तो फिर इसमें ब्रेकआउट होगा। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, 580 के ऊपर खरीदारी कराएं। थोड़ा अनुमान से कम है मुनाफा, भी हल्का अनुमान से कम है, नेट प्रीमियम इनकम भी हल्के अनुमान से कम है। सॉल्वेंसी रेशियो 201% से घटकर 176% का इसका आते हुए दिखा है। वीएनबी मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, ये देखना जरूरी रहेगा, 27% पर हम सपाट इसके रहने का अनुमान लगा रहे हैं। तो देखते हैं इस की वेरिएबल पर कैसे इनकी परफॉर्मेंस रही है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ साल से VNB की परफॉर्मेंस अच्छी रही है इनकी, बट इस बार किस तरह के VNB मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं ये देखना जरूरी रहेगा। 22% की ग्रोथ वैसे ये दिखा चुका है। तो चलिए ये आपके लिए कुछ मैट्रिक्स HDFC लाइफ के लिए। सिटी साहब से भी एक फंडामेंटल राय ले ली जाए। सिटी साहब, बाकी मैं डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा अनुमान से सॉफ्ट नंबर्स दिख रहे हैं, क्या राय देंगे सर? नहीं देखिए दीपांशु, इस स्टॉक पे तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छी पेडिग्री है और अच्छे बिजनेस में है। जिस तरह के सेगमेंट में ये ऑपरेट करते हैं, हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज रहेगी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में। बाकी नतीजे ठीक ठाक है, अनुमान के मुताबिक ही है, तो मुझे लगता है आज चूंकि बाजार में सेंटिमेंट्स भी अच्छे हैं तो स्टॉक में नतीजों के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जो आमतौर पर होता नहीं है। तो अब इन लेवल्स पे होल्ड ही करने की सलाह, बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करना चाहिए। जबरदस्त तेजी 17200 के पार निकल के टिकता हुआ दीप, खाली एक ही चीज है कि जो सपोर्ट न बैंक निफ्टी से मिला न डाउ से मिला, फिर भी निफ्टी और निफ्टी में ये जो बड़ा उछाल आया इसके लिए बधाई के पात्र है हमारे नितिन जी, जिन्होंने अभी अभी 17100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 135 के लेवल पर, 175 के टारगेट के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। नितिन जी अपडेट जी, अभी 165-168 के आसपास है टारगेट के आसपास, ये प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बट ये पॉजिटिव डेटा है, कल के लिए भी ओपनिंग के ख्याल से पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी हुई है। 17200 की कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, कल जो है 17100 पे काफी कॉल राइटिंग थी जो आज ट्रैप हो गए वो ओपनिंग में, अभी 17200 पे ट्रैपिंग हो रही है, तो मोस्ट लाइकली कल 17300 की तरफ भी जा सकते हैं। मंथली एक्सपायरी है तो ये हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे, यहाँ पे पुट्स को अवॉइड करेंगे और कॉल ऑप्शन करीब करीब टारगेट के आसपास है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 200 के ऊपर बंद हो गए दीप तो फिर तो मजा आ जाएगा। 93 लाख 17200 पर कॉल राइटर्स खड़े थे 2 बजे जब हमने डेटा बनाया, तो 17000 का कॉल रेट है 31, 17157 लाख शेयर, 17150 31 लाख शेयर, 5383 11 12 90 2,15,20,00,000 शेयर कॉल रेटर्स 17200 के ऊपर अगर आप निकल के टिकते हैं। वाओ, 2,20,00,000 कॉल रेटर्स, वो पोजीशन काटने आ गए तो फिर क्या होगा? काटनी तो पड़ेगी अब, तो यही है कि कब कैसे क्या काटें वही वाली बात है। आइए तब तक आइए एक और आपके लिए बेहतरीन कॉल आ रहा है जय ठक्कर की तरफ से। जय ने आज सुबह फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी पर तो कॉल ऑप्शन दिया ही है, लेट्स सी अभी जय की तरफ से निफ्टी पर क्या कुछ आता है या और किसी स्टॉक पर बिगुल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, खरीदे 17300 का कॉल 56 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ये 28 अप्रैल की एक्सपायरी का 56 पर ट्रेड कर रहा है, 17300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी, इसको हम 00 के हिसाब से ले सकते हैं बिकॉज 56 पर ही ट्रेड कर रहा है, सो आई मीन स्टॉप लॉस जनरली हम 40-45 पॉइंट का देते हैं, बट देन इस टाइम 00 कर सकते हैं इसको। एंड फर्स्ट टारगेट अनिल जी जो इसका निकल कर आ रहा है दैट वुड बी 108, 108, दूसरा टारगेट वुड बी 123, सो 123-108 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। रीजन बीन के जो हिसाब से 17200 आपको मैं सुनी रहा था अनिल जी अभी, एंड एज यू राइटली सेड 17200 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बैंक निफ्टी पर हमने जो ऊपर सुबह 505 पर कॉल दिया था अनिल जी, वो अभी 455-60 के आसपास तो ट्रेड कर ही रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत हमें वहीं पे बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। इनफैक्ट 36,500 लेवल्स वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था 600 तक गया, बट देन यू नो समहाउ वो और फर्दर मोमेंटम वहां पे नहीं मिला, बट निफ्टी में 17,200 निकाला है एंड दैट गिव्स कॉन्फिडेंस अनिल जी
कि नाउ निफ्टी इज लाइकली टू इंच टूवर्ड्स 17,400 to 450 रेंज एटलीस्ट एक्सपायरी तक ये हमें रेंज देखने मिल सकती है. रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एनर्जी अच्छा है बिकॉज जो बेस अब नीचे की तरफ लग रहा है दैट इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,000-17,100 की जो रेंज है दैट इज नाउ बिकम अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट रेंज फॉर निफ्टी. And till those levels are held on a closing basis, expiry तो volatility हो सकती है. Till then मुझे ऐसा लग रहा है निजी 400-450 तक के levels निफ्टी spot में दिखा सकता है. इसलिए ये 17,300 के call recommend किया है. Okay, तो ये है आपके लिए राय निफ्टी पर 17,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय. और इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है और बाजार भी आज बढ़िया दमदार क्लोजिंग के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है. बढ़ते आगे और इससे पहले कि आगे बढ़े कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत स्मार्ट है पढ़ने में नहीं हाँ. बाकी कामों में कुणाल जी की तरह. यस बंसल जी तो हमारे बेचारे साफ साफ बोल देते नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा. बहुत सारे राजीव चंद्रा सोविक बहुत ऐसे ट्वीट करके लिखे मैंने सर 20 तक तो याद किया उसके बाद 20 के बाद है ना मैंने 30-40-50-60 वाला टेबल याद किया बीच वाला नहीं किया. ऐसे शॉर्टकट वाले बहुत सारे लोग हैं. लेकिन एक एक अक्षय चावला जी जिन्होंने ट्वीट किया उन्होंने बोला मैं टीचर हूँ और मैंने सिर्फ सारे टेबल्स याद कराता हूँ स्क्वायर और वो रूट और वाले वो भी करवाता हूँ. सोचो आप लोग कितने खुश नसीब है कि आप अक्षय चावला जी की स्कूल में नहीं गए. इतना तो नहीं याद होता. नहीं तो बता दी क्या क्या होता. लेकिन गजब का रेस्पॉन्स और सारे लोग बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं जिन्होंने ये सब पढ़ा है पाव आधा है और इनको मैं लाइक कर रहा हूँ बड़े खुश हो रहे हैं. लेकिन खुश कितने भी हो मैं आपको बता दूं जिन जिन ने ये सब पहाड़े पढ़े वो 50+ है. आप सब बुजुर्गों की श्रेणी में 2 जनरेशन पीछे हो चुके हैं ये ध्यान में रखे. आज की जनरेशन आशीष पढ़ा आपने ये देखो एक्सेल मतलब हम तो प्रतियोगिता दर्पण के जमाने के हैं जो हम वो पढ़ते थे जनरल नॉलेज के लिए. अच्छा हाँ बुक आती थी वो इंतजार करते इसके लिए सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट पॉपुलर बुक थी वो प्रतियोगिता दर्पण. हाँ क्योंकि सारे जनरल नॉलेज के सवाल उसमें आते थे. अगर किसी को यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देने होते तो वो इस तरह की कंपटीशन सक्सेस वो भी आती थी वो भी आती थी. लेकिन ये जनरल नॉलेज इसका कोई सिलेबस नहीं था वैसे वो पढ़ते थे ताकि हमको दुनिया भर में अलग अलग क्या चीजें क्या नहीं. आजकल तो कोई याद ही नहीं रखता सब गूगल कर लेते फटाफट. अब तो कहते ओपन बुक एग्जाम है इसलिए अंताक्षरी में जब भी होते हैं तो पुराने नए लोगों के बीच में हम जब भी फैमिली में ऐसे जहां भी इकट्ठे होते हैं तो पुराने वाले जीतते हैं ताकि वो तो हम सबको गाने याद रहते थे याददाश्त. ओके चलिए बढ़ते आगे और तैयार है हमारे सुमित जी एक सुपरहिट शेयर के साथ. बताएं सर. अनिल जी बाई का स्टॉक रडार पे आया है 139.10-139.30 ये अभी भाव चल रहा है. स्टॉक का सिंबल है कब और ये चलेगा अब. अनिल जी ये मैंने पहले भी कहा था 120 के भाव पे और लास्ट एक महीने से ये स्टॉक तब से तेजी पकड़ के रखा है. बीच में पिछले कुछ दिनों में छोटा सा करेक्शन दिखाया और अब ये वापस से तेजी दिखाने को तैयार है. तो खरीदारी करें कब में CUB जिसका सिंबल है. स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए. 135 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं. 144 रुपए से लेके 148 रुपए तक के टारगेट CUB कब के अंदर देखने को मिल सकते हैं. 144 से 148 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 135 के स्टॉप लॉस से. CUB सिटी यूनियन बैंक यहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई हमारे सुमित जी की तरफ से 135 का स्टॉप लॉस और 144-148. अच्छा एक मिनट करेक्शन प्लीज. जो जैन अभी अभी कॉल ऑप्शन दिया निफ्टी का वो 17200 वाला नहीं है 17300 वाला है. जरा रिवाइज करेक्टेड कॉल ऑप्शन आपके सामने आ रहा है. हीरो या जीरो 17300 का 56 रुपए में लेना है. 108 और 123 का टारगेट जरा एक बार फिर से दिखा दिए ताकि कुछ कुछ लोगों का कहना है कि शायद 17200 दिख गया. अब जो भी हो 17200 दिख गया तो अभी करेक्ट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है. जरा एक बार 17300 का कॉल ऑप्शन जय ने बोला. जय 17300 ही है ना. जी अनिल जी बिल्कुल सही 17300 का अनिल जी कॉल रेकमेंड किया है. ओके चलिए 17300 17200 नहीं 17300 का कॉल ये है जय की तरफ से खरीदारी की राय. आइए फाइनल स्ट्रेटजी ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से. हर खुशी के लिए काफी है. सर थोड़ी कोशिश करी थी डाउ फ्यूचर्स ने सहारा देने की पर वो सस्टेन नहीं कर पाए वापस फिसल कर 100-110 पॉइंट नीचे. आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं. नैसडेक फ्यूचर्स 1/4% नीचे. यूरोप में 1-1.5% की तेजी है. कच्चा तेल दबाव में है और बाकी भी एक्शन ठीक है.
हमारे बाजार निफ्टी तो डेज हाई पर है, बैंक निफ्टी का उतना सपोर्ट नहीं है, बट 17200 के ऊपर निफ्टी है, क्या करके जाना है सर? दीप देखे, अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हो 17000 का पुट खरीद कर, ताकि आपकी हेजिंग हो जाएगी, और बैंक निफ्टी पर 36000 का पुट खरीद कर आप अपनी होल्ड पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर लो। कॉल बेचना है तो 17400 का या 17500 का बेच दो, और इधर कॉल बेचना है तो 37000 का बेच दो या 36800 का, आपकी जो मर्जी उस हिसाब से, ठीक है? तो ये आपकी हेजिंग के लिहाज से ठीक है। फ्रेश पोजीशन में अभी लेने की राय नहीं दूंगा, उसकी दो वजह। एक, 17200 पर बंद हो रहे हैं, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, लेकिन चूंकि डाउ फ्यूचर थोड़ा नीचे है और एकदम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे बंद हो रहे हैं, 17150-17225 दिया था आज, मैक्सिमम टाइम उसी रेंज में निकला पूरा दिन भर हाई रेंज पे, तो ये मेक और ब्रेक वाला होता है। जैसे कल कैसे एकदम नीचे बंद हुआ, करेक्ट, जाना है नीचे तो वहीं से जाना है, करेक्ट। 17950 के नीचे, 16950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, वहीं बंद हुआ, आज एकदम ऊपर आ गया, आज सब अच्छा लगता है, कल पता नहीं थोड़ा नीचे आ जाए। सो ओवरनाइट रिस्क फ्रेश पोजीशन के लिए नहीं, ओके, जो है वो रख लीजिए हेज करके। बैंक निफ्टी में भी सेम है, नई फ्रेश पोजीशन कल सुबह बनाएंगे, है वो रख लीजिए। सपोज आपने ले रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 37000 का कॉल ऑप्शन बोला सुबह, वो पड़ा है तो रखिए, उसमें दिक्कत नहीं, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हो रहा रखिए। लेकिन अगर फ्रेश खरीदना है तो फिर इन लेवल पे ओवरनाइट रिस्क में आप एकदम उसी जगह पे जा रहे हो जहां से 100 ऊपर भी खुल सकता है, 100 नीचे भी खुल सकता है, और फिर भी किसी को यह है कि भाई बिना पोजीशन के नींद ही नहीं आती, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भली भले कुछ नहीं तो एक आधा लूट ही लेके जाऊंगा, लूंगा जरूर, ताकि मुझे शाम को बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए चार लोगों में बैठे तो कुछ रहे ओपिनियन देने और लेने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, क्रिकेट की तरह मार्केट जीवी लोग जिसे कहते हैं, बीच चले थे आंदोलन जीवी, ये हमारे मार्केट जीवी, तो ये मार्केट जीवी लोग हैं जो बिना इसके पोजीशन के सो नहीं सकते, तो इसलिए उनके लिए फिर अगर ऐसा है ही तो फिर उस कंडीशन पे ले कि अभी लेंगे नीचे खुलेगा तो और लेंगे, आधा ही लेंगे, 1/4 लेंगे, नीचे अगर ओपन होता है तो और लेंगे, अदरवाइज ठीक है, बट लॉन्ग पोजीशन में बना रही है कोई दिक्कत। तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय, लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आइए जल्दी से एक बार यूनाइटेड ब्रूरीज की बात कर सकते हैं, कर लेते हैं, इसके नतीजे आने वाले हैं, आशीष बताएं कैसे रहेंगे इसके। दीपांशु, नतीजे तो कमजोर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले देखें तो लागत खर्च यानी ग्लास और साथ में जो बारले की कीमतें हैं इसमें बड़ा इजाफा देखने को मिला, जिसके चलते हम मान रहे कि इनका कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 27% की गिरावट देखने को मिलेगी, और बिक्री के लिहाज से कोई खास ग्रोथ नहीं है, केवल 1% की ग्रोथ जो है आपको रेवेन्यू यानी आय में नजर आएगी, मार्जिन 17% से घटकर 12%, और साथ में जो कामकाजी तो मुनाफा मैंने आपको बता दिया, टोटल मुनाफा एडजस्टेड तौर पर देखें तो यहाँ पर आपको 34% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आगे जाकर जो कीमतें हैं ये कैसे बढ़ा सकते हैं, स्टेट्स का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, यहाँ पर खास फोकस रहेगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे जो है कमजोर आएंगे। ओके, तो आंकड़ों के लिहाज से कुछ खास नहीं रहने वाला है, देखते हैं नतीजे कैसे आने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखिएगा नजर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी को ऊपर ले जाने में इसका योगदान है। टीसीएस में थोड़ी थोड़ी अभी अभी खरीदारी आई है, एचडीएफसी लिमिटेड में हल्की सी खरीदारी आपने आते हुए देखिए, तो इन दिग्गजों की वजह से हम देख रहे हैं निफ्टी पर अच्छा रिएक्शन है, बैंक निफ्टी अभी भी मूव करना बाकी है, इनफैक्ट 450 के नीचे ही बैंक निफ्टी इस समय अटका हुआ है। बट एक दो मिड कैप आईटी काउंटर्स में मूव आई है, बिरला सॉफ्ट एक बढ़िया स्पाइक दिखा रहा है। बंसल जी जरा बिरला सॉफ्ट का चार्ट देखें, अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है सर। बिरला सॉफ्ट, ओके, थोड़ा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, सुमित जी आप ही देख लें बिरला सॉफ्ट का चार्ट। दीपांशु, बाइंग आ रही है स्टॉक के अंदर, पिछले 7-8 दिनों के करेक्शन के बाद आज इसने पहला दिन है जब इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, और आज की क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही आएगी, तो बिरला सॉफ्ट के अंदर पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। यहां से मेरे को लग रहा है ऊपर का मूव बनेगा, 410 रुपया नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में 440 रुपए से लेकर 450 रुपए तक का मूव बिरला सॉफ्ट के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर, तो खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो खरीदारी कर सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। कैनफिन होम्स इस पर रखें नजर, विश्वेश जी इस पर भी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, कैनफिन होम्स जरा देखें। दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी टाइप से रेंज में है, 650-670 अपसाइड जाता है और नीचे में फिर वापस 580 तक आ जाता है, मोरलेस अपसाइड कैप्ड है 670 तक, तो अभी यहां से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है 650 निकले तो 670-75 तक जा सकता है, जस्ट अ ट्रेडिंग रेंज, नथिंग डायरेक्शनल सो फार। रेंज में है कुछ डायरेक्शन लिए, बट नजर रखिए एक दो मिड कैप काउंटर्स पे मूव आ रही है, और मिड कैप और हाई बीटा के नाम निकले तो पॉलीप्लेक्स को कैसे भूल सकते हैं। आज सुबह बात हो रही थी अनिल जी के साथ, सिमी जी के रेडार पर भी आया, तब 3-4% आई थिंक ऊपर था सर, अब देखिए जरा पॉलीप्लेक्स का चार्ट, 7% ऊपर पॉलीप्लेक्स आते हुए दिख रहा है, फ्रेश मूव इस पर आती है, मजबूत है दीप, बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट वाला ग्रेट, इन्वेस्टमेंट 3500 का टारगेट, 3500 रुपए के टारगेट के लिए आप आराम से रखिए।
धीरे धीरे ट्रेल करते चले। और एक और स्टॉक जिसका जिक्र करेंगे जो ऑफर फॉर सेल में हम अकेले थे जिन्होंने स्ट्रॉन्गली कहा, रुचि सोया। देखिए 10% बढ़ चुका है, 1045 आई थिंक 10% का सर्किट है, ज्यादा का पता नहीं लेकिन 10% लगभग सर्किट के आसपास, 10% का अगर है तो ज्यादा का है, 20% का तो मैं निकालता हूँ, तो 1045 के आसपास जी हाँ ये ट्रेड करता हूँ। रुचि सोया भी 20% स्ट्रॉन्ग, 20% हाँ, तो यहाँ पर भी हमारे टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट 1200 है और बाकी 1500-1600 तक के टारगेट्स हैं, तो यहाँ पर दोनों में आपको होल्ड करिए। आइए जय के लिए बिगुल, बिना बिगुल वाला जैकपॉट, जय बताइए जी। अनिल जी मैं सीरीज का कॉल दे रहा हूँ, 2500 के स्ट्राइक का हीरो मोटोकॉर्प का कॉल खरीदे 55 रुपए पे अनिल जी अभी, एंड यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना होगा 36 पर, सो 55 पर खरीदे आप मैं सीरीज का 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 55 पर, 36 का स्टॉप लॉस लगाया अनिल जी, 83 और 98 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। हीरो मोटोकॉर्प इन पर आज आफ्टरनून शो में भी मैंने दीप को दिया था, अच्छा परफॉर्म किया और मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से 2400 के लेवल्स का अनिल जी अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है विच इज वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट नाउ, सो जब तक उसके नीचे भी यू नो ज्यादा ट्रेड नहीं करता, उसके ऊपर जब तक बने रहता है आई थिंक इट इज हेडिंग अबाउट 2500 लेवल्स, सो हीरो मोटोकॉर्प को अनिल जी एक अच्छा ट्रेड लॉन्ग साइड पर लिया जा सकता है। मेन सीरीज का अनिल जी कॉल ऑप्शन है 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी एक छोटी सी कमेंट, रुचि सोया अनिल जी मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, आई मीन आपने परफेक्ट चुना है वो स्टॉक आइडेंटिफाई किया, आई थिंक उसमें और अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ओके परफेक्ट, तकनीकी तौर पर भी रुचि सोया मजबूत होता हुआ 1045 अब 1046 पर 10% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ जबरदस्त एक्शन यहां पर आज होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक है जिसने यू टर्न लिया है दीप, वो है तेजस नेटवर्क। नतीजे के बाद कल लोअर सर्किट लगा था, आज से नीचे का सर्किट के आसपास तो देखा था मैंने सुबह के लाल निशान में और वहां से रिकवर होकर पूरे हरे निशान में ऊपर के सर्किट 5% ही लगता है, 5% के ऊपरी सर्किट पर ये भी ट्रेड होता हुआ दिखा, तो कई सारे कैश के स्टॉक्स बड़े एक्शन में आखिरी मिनटों में आते हुए आपको नजर आएंगे। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़े फिर, और रिबाउंड वाला दिन था, बैंक निफ्टी ने अच्छी मूव दिखाई बट निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, 17200 पर निफ्टी 1.5% के अप मूव के साथ यहां पर क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑटो काउंटर्स एक बार फिर से लीडरशिप दिखाते हुए, बजाज हीरो ये दोनों सबसे आगे थे, टीवीएस में खरीदारी थी, M&M टाटा मोटर्स में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, FMCG में अच्छा एक्शन रहा, टाटा कंज्यूमर HUL ये दोनों काउंटर्स अच्छी खरीदारी दिखाते हुए, साथ ही हमने देखा टाइटन बड़ा ब्रेकआउट इस पर आया, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था, अदानी पोर्ट्स आगे वहां पर निकलते हुए, पावर ग्रिड NTPC जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी देखी, सिप्ला डिवीज लैब फार्मा से पार्टिसिपेट करते हुए, सन फार्मा 2% ऊपर था, एंड ऑफकोर्स बैंक्स का भी थोड़ा थोड़ा योगदान था, इंडसइंड बैंक में आपने अच्छी खरीदारी देखी बट ICICI एक्सिस दोनों ने आज निराश किया, HDFC बैंक हल्की सी खरीदारी दिखाते हुए, बट ब्रेथ काफी अच्छी थी, 43 निफ्टी के स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज होते हुए, सिर्फ ONGC में हल्की गिरावट देखी, अपोलो हॉस्पिटल्स थोड़ा सुस्ता और एक्सिस बैंक जैसे मैंने कहा वहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। वायदा कारोबार की तरफ आए, 7% का बड़ा ब्रेकआउट चोला इन्वेस्टमेंट में आते हुए देखा, उतनी बड़ी मूव इन हाउसिंग में आपने देखी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो NBFCs की तरफ से आज अच्छा योगदान रहा, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी 5% ऊपर था। टायर स्टॉक्स पर रखिए नजर, अपोलो टायर्स बालकृष्णा दोनों में अच्छे मोमेंटम आते हुए दिखा, मदरसन सुमी पॉजिटिविटी दिखाता हुआ, GNFC चंबल फर्टिलाइजर एग्रीपैक से ये दोनों एक्टिव थे, DLF ओबरॉय रियल्टी यहां पर भी अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिखी, तो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आज आपने बाजार पर आते हुए दिखा। नतीजों के बाद अतुल लिमिटेड ये थोड़ा कमजोर आपको आते हुए दिखा, HDFC लाइफ नतीजों के बाद ठीक ठाक रिएक्शन इस काउंटर ने दिया, कैश मार्केट काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में थे, पॉलीप्लेक्स की हम बात कर ही देते थे, रुचि सोया में भी आपने बड़ी मूव आते हुए आज देखी, तो अनिल जी अच्छे रिबाउंड का दिन और निफ्टी की क्लियर आउट परफॉर्मेंस, ऑटो लेड आउट परफॉर्मेंस आती हुई देखी, बैंक्स का थोड़ा सहारा, 17200 पर एग्जैक्ट प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी में। बिल्कुल, तो क्लोजिंग एकदम 17200 पर ही होती दिखी, फाइनल क्लोजिंग आने देते हैं, लगभग इसी के पास आएगी, कोई खास बदलाव नहीं होना चाहिए, थोड़ा 5-10 पॉइंट नीचे आ जाए तो आ जाए, चलिए क्योंकि 17225 का जो ऊपर का टारगेट दीप आज तक आज का दिया था, 17150-17225 की हाई रेंज देख लीजिए, एग्जैक्टली 17223 और 36600 की रेंज में टाइम पास, एग्जैक्ट हाई 36604 है आज का और क्लोजिंग 36400 के नजदीक, बहुत बहुत परफेक्ट एग्जैक्ट लेवल से, और इसलिए सुबह हम बात कर रहे थे कि डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर, ऐसा नहीं कि हमने लेवल एग्जैक्ट निकाल दिया, वो डेटा में दिख जाता है कभी डेटा में नहीं होता है तो नहीं होता है, आज दिख रहा था साफ, तो इसलिए मैंने कहा कि डेटा में पूरे लेवल परफेक्ट नजर आ रहे हैं, तो ये कमाल डेटा का ही है कि हम अगर डेटा साफ दिखते हैं तो लेवल साफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आज जब मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा साफ दिखता है लेवल, तो जिस दिन अगर मेरे लेवल गलत हो जाए तो समझ लेना
गलती मेरी नहीं, डेटा की है। काम मान लेंगे थोड़ा। हाँ बताया था ना मैंने, हम राजस्थान में हमारी मालूम होना चाहिए हमारी प्लानिंग क्या है। मृत्यु जी आपको नहीं पता? नहीं पता? नहीं सर। हम राजस्थान में के कोई भी काम करने के पहले पूरी फूल प्रूफ परफेक्ट प्लानिंग करते हैं। अच्छा। और प्लानिंग इस लेवल तक की करते हैं कि अगर काम गलत हो जाए हाँ। तो नाम किसका लगाना है। इस लेवल तक तो अगर हमारे प्रेडिक्शन गलत हुई तो नाम किसका रहेगा? डेटा डेटा का। क्योंकि आज एक बार क्रेडिट भी दे दी हमने डेटा को। यदि वे चलिए बढ़ते आगे और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। ट्विटर अब एलन मस्क का हो चुका है। ट्विटर पहले से ही इस डील के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मस्क ने ऐसा ऑफर दिया कि ट्विटर को वो ऑफर मस्त लगा। तो मस्क क्यों ट्विटर खरीद रहे हैं, इसके पीछे इतनी बड़ी कीमत $44 बिलियन क्यों दे रहे हैं, ये कई लोगों को गले नहीं उतर रहे हैं। क्या क्लोजिंग है लेवल इसको बोलते हैं? एग्जैक्ट 17200 एग्जैक्ट फाइनल क्लोजिंग। आज का लो 17064 17075 वाली रेंज एग्जैक्ट वहीं पर रुका है। 17223 हाई बन भी 17 परफेक्ट डेटा रीडिंग। बैंक निफ्टी का लो 36265 बन 36400 क्लोजिंग हाई 36600। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन। समाचार समाप्त हुए। फिर दूरदर्शन वैसे ही होता ना। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। तो कुणाल जी, राकेश जी, समाचार समाप्त हुए और सुमित जी, नितिन जी, हिमांशु जी, सब दिल्ली वाले कितने हो गए भाई? आज दिल्ली हैवी है। 2-3-4 दिन दिल्ली वाले। सुमित जी, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब और साथी सेठी साहब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सेठी साहब, बाद में जाते जाते आपका फीएम इंडेक्स भी बहुत बढ़िया, मौका मिला नहीं आपसे पूछने का। जबरदस्त एक्शन, आपकी नजर पड़ी उस पे? हाँ बिल्कुल अनिल जी, एक टाइम पे 14% बढ़ गया लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में। गजब कंपनी। हाल ही में मैंने भी रिकमेंड किया था और शायद संदीप ने भी इसको रिकमेंड किया हुआ। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जबरदस्त कंपनी है और ओला के साथ तो एक्सक्लूसिव टाई अप है। ओला ने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हैं तो उसका भी फायदा हो रहा है। तो 13-14% बढ़ा था ये लास्ट हाफ एन आवर में, 10% ऊपर बंद होता हुआ, ये भी सेंचुरी मारता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे लिए समय देने के लिए। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।